सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये जुड़ चुके हैं, बहुत लोग ऐड हो चुके हैं, धीरे धीरे ऐड होंगे। सबसे पहले मुझे ये बताओ, कितनों का ऐसे जो लोग जुड़े हो जिनका रिजल्ट हो चुका है, मतलब चाहे वो नेट हो या वो जेआरएफ हो, कितने लोग ऐसे हो? हैंड रेज करो और बताओ। ओके, जयश्री, ओके, सरोज, ओके, कुसुम, ओके, सुमन, अरे ओके, मनोज का नेट हो चुका है, वेरी गुड। दुर्गेश, मैंने पूछा कितनों का नेट या जेआरएफ हो चुका है, सना का जेआरएफ हो चुका है, ओके फाइन गुड। रिम्पी, आप भी लिखो, आपका भी जेआरएफ हुआ है तो लिखो। मेरा तो पता ही नहीं, पल्लवी चैट की दरबार अच्छा ठीक है, की। ओके। चलो, तो मेरा मेन मीटिंग रखने का सबसे बड़ा मकसद यहाँ पे यही था। बहुत लोग को ये कंफ्यूजन है सबसे पहले कि ये परसेंटाइल को परसेंटेज में कैसे देखें और मेरा कितना रैंक है या कुछ भी। तो सबसे पहला जो डाउट है, देखो तो इसमें बहुत सारे ऐसे भी बच्चे जिनका अभी तक कोई नेट नहीं हुआ है, कि जिनका कोई जेआरएफ नहीं हुआ है, ठीक है गाइज। ये जितने भी लर्नर्स हैं ना, मैं ये नहीं कहती, एंड मैं हमेशा ऑनेस्ट फीडबैक देने को बोलती हूँ, मैं ये नहीं कहती। मुझे भी पता है कोई अकेले कुछ ही ऐसे बंदे होंगे जिनका मुझे पता है, जिन्होंने स्पेशली मुझे फॉलो किया स्पेसिफिकली, लेकिन बाकी सभी बच्चे कभी भी कोई एक जगह से नहीं देखता है। इवन मैंने अपनी स्ट्रैटेजी सेक्शन में भी कहा है कि कभी एक जगह से क्लासेस नहीं देखनी चाहिए, हमेशा जहाँ वहाँ। अभी इसका ये मतलब नहीं कि 10 जगह चले जाए, नहीं, मैं हमेशा कहती हूँ वहाँ वहाँ से देखो जहाँ से आप कुछ गेन कर पा रहे हो, ठीक है। अगर मेरे से गेन कर रहे हो तो मेरी को देखो, अगर कोई और एक एक और एक्स्ट्रा हमेशा एक लेके चलना चाहिए, कम से कम किसी दो को तो फॉलो करना ही चाहिए। मैं कभी नहीं कहती किसी एक को फॉलो करो, एंड ना ही किसी का जेआरएफ हुआ है या नेट हुआ है। अगर मेरी जो मैंने टेलीग्राम पे लिस्ट भेजा, अगर उस लिस्ट में बात करूँ तो मुझे पता है 7 to 9 लर्नर्स ऐसे हैं जिन्होंने स्पेसिफिकली सिर्फ मुझे फॉलो किया था, सिर्फ और सिर्फ मुझे, क्योंकि वो उनसे रेगुलर मेरी मैसेजेस चैट्स मुझे पता है। लेकिन बाकी सभी लर्नर्स ये भी पता है कि वो एक जगह सिर्फ मुझे ही नहीं, हो सकता है कोई अनअकैडमी पे होगा, हो सकता है कोई बायजूस पे होगा, हाँ, और उसमें से कुछ मेरे आइकॉनिक लर्नर्स हैं जिन लोगों ने मुझे ही फॉलो किया जो मैंने उनको बोला। तो यहाँ पे मेरा ये कहना है कि जो अभी जो रिजल्ट आया है वो मेरी फ्री क्लासेस से ही आया है गाइस। तो ये जिनके कॉन्सेप्ट में है कि क्या मुझे पेड लेना पड़ेगा, क्या मैं फ्री में नहीं कर सकती हूँ, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल फ्री में कर सकते हो, और इसके लिए सोचना नहीं है कि मतलब, जैसे बहुत सारे मुझे ऐसे लर्नर्स भी मिले कि मैं आपका पेड बैच लेना चाहती हूँ लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। मैंने उनको बोला है बिल्कुल आप आओ, मुझे ऐसे लर्नर्स चाहिए जो पढ़ना चाहते हैं, एंड मैं बिल्कुल इसके लिए मतलब मैंने उनको कभी मना नहीं किया कि नहीं आपको नहीं आना है, मुझे पैसा दोगे तभी नहीं आओ। ये जो मैंने अपने इवन पेड का बात करूँ या फ्री, मैं बिल्कुल मन से पढ़ाती हूँ, चाहे वो कुछ भी हो जाए। मेरा मेन एक ही मकसद होता है, मैं ऐसा प्रॉपरली गाइड करूँ कि उसको पता हो कि किस साइड जाना है और कैसे जाना है, ठीक है। तो आज का जो मेन मीटिंग है मेरा बस यही है, जिन लोगों का हो चुका है मैं उनसे थोड़ा थोड़ा सजेशन चाहती हूँ, और जिनका नहीं हुआ है उनको क्या डाउट है, स्पेशली जिनका जेआरएफ हो चुका है वो पीएचडी के लिए कोई डाउट लेना कुछ पूछना चाहते हो वो पूछो, क्योंकि अलग अलग मुझसे सब पूछ रहे थे तो मैंने एक ही मीटिंग रख लिया कि अब पूछो यहाँ पे जो पूछना है। पहला, जिनका नेट हो चुका है अगर वो फिर से जेआरएफ के लिए पढ़ना चाहते हो तो कैसे पढ़ना चाहते हैं वो पूछना चाहते हो तो वो पूछो, ठीक है। जिनका जेआरएफ हो चुका है वो कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे कि मैम पीएचडी में कैसे एडमिशन लें, क्या स्टेट लेना है सेंट्रल लेना है, जैसे भी जस्ट रिम्पी से भी डिस्कशन हुआ कॉल पे कि कहाँ लेना चाहिए, वो भी मुझसे पूछ सकते हो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ फीडबैक देना चाहते हो, कुछ सजेशन देना चाहते हो, तो सब पूछ सकते हो। तो एक एक करके मुझसे जो भी पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो, कोई भी स्टार्ट करो। तो चलो सबसे पहले रिम्पी आप ही बोलो कुछ पूछना है या कुछ बोलना है, क्योंकि आपका हाँ, कैमरा ऑन मतलब है एक तो इसलिए। मुझे यही था कि थोड़ा सा स्टेट और सेंटर में हो रहा था कि फेलोशिप को लेकर, और कि अब ये तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा गाइड कैसा हो किसी यूनिवर्सिटी में, तो बिल्कुल, बस इसको लेकर हो रहा था। तो अभी तो कंफ्यूजन क्लियर है। एक्चुअली रिम्पी का सवाल ये था हाँ, ये तो कि है, स्टेट अब से, तो मेरा मन बन गया कि स्टेट से। हाँ बिल्कुल, रिम्पी का सवाल ये था कि पीएचडी करना है तो सेंट्रल से करने जाए या स्टेट से करने जाए। तो एक चीज माइंड में रख लो, स्पेशली जिनका जेआरएफ है, ठीक है, जिनका नेट है वो उसी में जाओ जहाँ आपको अपनी पैसा लगा के कन्वीनियंट होता है, लेकिन जिनका जेआरएफ है वो आप स्टेट में जाओ,
सेंट्रल में जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका अमाउंट उतना ही मिलेगा, पहला बात। दूसरा बात कि जो एचआरए होता है ना, जो जेआरएफ के साथ मिलता है, वो थोड़ा मैटर करता है। वो भी इसलिए मैटर करता है क्योंकि अगर आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी टाउन में है तो आपको उसके हिसाब से पैसा मिलेगा, लेकिन अगर आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसी इंटीरियर में है, विलेज में है, तो पैसा उसके हिसाब से मिलेगा। बाकी आप पीएचडी करके निकलोगे तो 30 मार्क्स ओवरऑल आपको भी मिलेगा, जो स्टेट से किए, जो प्राइवेट से किए और जो सेंट्रल से किए, तीनों को 30 ही मिलेगा। यानी अगर किसी जॉब जगह पे जाओगे और इंटरव्यू में जाओगे तो ऐसा नहीं होगा कि वो सेंट्रल से आई तो उसको ज़्यादा मार्क्स देना, नहीं। तो बिल्कुल भी जिसको पहले जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, स्टेट की मिल रही है, सेंट्रल की मिल रही है, जहाँ की मिल रही है, सोचो मत और ले लो। क्योंकि ये मतलब जेआरएफ को पैसा अगर आ चुका है, जेआरएफ का मतलब ही है कि मुझे पैसा चाहिए, है ना, जेआरएफ, और कोई फर्क नहीं पड़ता नेट से, तो जस्ट यू कैन गो फॉर दैट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। और कोई जो मुझसे हेलो पल्लवी, मैं सुमन बात करना चाह रही हूँ। मुझे ये सजेस्ट करो कि जैसे अब हम टॉपिक फाइनल करेंगे अपना, तो उसमें पीएचडी के लिए कितने वेरिएबल डालने जो मैंडेटरी हो, पीएचडी के लिए या इंटरव्यू के प्रपोजल के लिए जा रहे हो? इंटरव्यू प्रपोजल के लिए जा रहे हैं, एंट्रेंस क्वालिफाई है तो इंटरव्यू प्रपोजल के लिए। देखो इंटरव्यू प्रपोजल के लिए जा रहे हो तो ये समझ लो कि जितना कम वेरिएबल डालो, कहने का सेंस है ना, आप जितना वेरिएबल डीप डीप डालोगे, बिल्कुल पीएचडी में डालो जितना मन है, लेकिन प्रपोजल जितना कम और लिमिटेड रखोगे ना उतना आपके लिए फायदा होगा। क्यों? क्योंकि वो उतना ही आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे उसी बस लिमिटेड से। फॉर एग्जाम्पल मिनिमम 3 तो होने ही चाहिए, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि मिनिमम 3, मैंने अपने एक ही वेरिएबल से लेके चला था प्रपोजल जो डाला। दो भी डाल सकते हो, हाँ मिनिमम 2 लेके चलो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हम एक नहीं डाल सकते। अगर एक भी, देखो मेरा टॉपिक इतना इफेक्टिव होना चाहिए, अगर मेरे टॉपिक इफेक्टिव है ठीक है तो बिल्कुल एक वेरिएबल से भी काम चलेगा। बस अपने इंटरव्यू में डिफेंड करना और ध्यान रखना इंटरव्यू में वो पूछते क्या है। इंटरव्यू में वो पूछते हैं पहला प्रपोजल क्यों, मतलब ये टॉपिक क्यों चुना, पहला क्वेश्चन होगा सबसे होगा, इसका जवाब खोज के जाना। दूसरा आपने जो भी मेथड चुना होगा उसका सारा डिटेल देख के जाना। जैसे मैंने एक्सपेरिमेंटल चुना था तो उन्होंने मुझसे एक्सपेरिमेंटल का हर कुछ पूछा, ट्रेड वगैरह, जो कि मैं ऑलरेडी फ्री क्लासेस में भी करा चुकी हूँ, है ना। तो वो सब देख सकते हो। जो लोग भी अभी पीएचडी का एग्जाम देने वाले हो या रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंट करने वाले हो, मेरी रिसर्च की पूरी प्लेलिस्ट अगर देख जाओगे, ट्रस्ट मी, एक भी बहुत रेयर क्वेश्चन होंगे जो छूटेंगे। मैं ये नहीं कहती एक भी नहीं छूटेगा, बहुत रेयर नहीं, वो तो कन्फर्म ही है, उससे बाहर तो कुछ आता नहीं। पर भी हमने फॉलो किया आपको, और लास्ट ये लगा लो एग्जाम से पहले लास्ट 4 मंथ तो मैंने फिर सिर्फ आपकी क्लासेस देखी थी। और मैं और बच्चों को भी यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपकी फ्री क्लासेस भी देख लेना तो वो भी एनफ है, जेआरएफ के लिए भी एनफ है। बिल्कुल, चलो थैंक यू सुमन। और कोई डाउट? नहीं, और कुछ ठीक है। हाँ बोलो मनोज। हाँ हेलो मैम। हाय मैम, एक्चुअली आपसे ये पूछना था कि मेरा 2020 में ही नेट हुआ है, तो मैम अभी ना गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस के लिए, मतलब वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया है, तो उसके एग्जाम्स होने वाले हैं, तो मैम ये, और उसकी ना यहाँ पे कोई मुझे मैम इंग्लिश मीडियम में कोई बुक नहीं मिल रही है, तो वही समझ नहीं आ रहा कि उसके लिए मैं कैसे प्रिपेयर करूँ। देखो उसका सिलेबस कैसा है मैम? सेम जैसा नेट में आता है एजुकेशन का, मैम सेम वही है। तो इसके लिए मैं मैम डिफरेंस ये है कि मैम नेट में जैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे फैक्चुअल ज्यादा आते हैं मैम, ये है डिफरेंस। ठीक है, तो देखो फैक्चुअल में क्या लर्न करने वाली चीजें होती हैं, यानी लर्न करने वाली चीज, यानी आपसे नाम पूछेगा, है ना, पहला चीज आपसे पूछेगा किसी का डेफिनेशन का क्या थ्योरी है। तो देखो आप उसके लिए जो ऑथेंटिक स्टैंडर्ड बुक्स है, जैसे अगर रिसर्च है तो रिसर्च के लिए मैंने आप सभी को रिसर्च के लिए ये दो बुक बहुत अच्छी है, जो है एक वेस्टर्न कान की थ्योरेटिकल है पूरी, और अगर पीएचडी में जाओगे तो बोला जाता है कि इन बुक्स को पढ़ो, और एक क्रेसवेल की है जिनका भी क्वालिटेटिव स्टडी होता है या क्वांटिटेटिव, बहुत अच्छी ये दोनों बुक है। थोड़ा टफ लैंग्वेज है तो उसको इजीली समझने के लिए आप पहले से चाहो तो एक एस के मिंगल का भी बुक जो है वो ले सकते हो इजीली समझने के लिए, और बाकी आप टफ वे में चाहो तो आप उसको वैसे भी कर सकते हो, मतलब ये रिसर्च के लिए। साइकोलॉजी की बात करोगे तो देखो साइकोलॉजी में मुझे नहीं लगता कोई ऐसा एक स्पेसिफिक बुक है, ठीक है। इसके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जितना आप इसको इंटरनेट या किसी के रिसर्च पेपर से पढ़ सकते हो,
पढ़ो टॉपिक वाइज, क्योंकि हर एक रिसर्च पेपर ना कोई थियोरेटिकल फ्रेमवर्क देता है हर एक रिसर्च पेपर के अंदर। अगर साइकोलॉजी पे कोई पेपर है तो वो उसका पूरा थियोरेटिकल फ्रेमवर्क देगा, उस पेपर में आपको उसका पूरा कंसेप्ट मिलेगा, पूरा डिटेल मिल सकता है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। और फिलोसफी तो है, फिलोसफी के लिए मैं कोई ऐसा बुक सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने जो पढ़ा था मैंने अपनी लाइब्रेरी की कुछ बुक से पढ़ा था जिनका नाम मुझे, हाँ एस के मंगल भी बिल्कुल प्रीफर कर सकते हो साइकोलॉजी के लिए, लेकिन उसके अलावा भी आप जो है गुड आफ्टरनून रफीकुल, ठीक है, उसके अलावा भी आप इन बुक्स को कवर अप करो, ठीक है। ओके मैम, और बाकी आप, तो मैम आपकी सारी वीडियोस ही अभी तक जितना आपने कराया बस वही देख रहे हैं और वही क्वेश्चंस ही कर ही रहे हैं मैम। आई थिंक कि आप पढ़ रहे हो तो आपको पता चल रहा होगा कि वो मोर देन एनफ है। यस मैम, ये तो लग रहा है कि मतलब हाँ, क्योंकि आपने सारी चीजें इतने अच्छे से बताई हैं कि वो, और एक एक पॉइंट हमने कॉपी में नोट डाउन भी किया है, तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि मतलब वो मोर देन एनफ होगा। हाँ बिल्कुल। और मैम एक चीज और पूछना था कि क्या पीएचडी मैम इग्नू से रेगुलर मोड में करना ठीक होगा? हाँ क्यों नहीं, कहीं से भी करना, डिग्री से मतलब है। एक्चुअली मैम बोलते हैं कि वो क्योंकि वो डिस्टेंस मोड में है तो उसका बहुत ज्यादा प्रेफरेंस नहीं मिलता है या पीएचडी की कोई वैल्यू नहीं होती है। उसमें आपको 6 महीने का कोर्स वर्क रेगुलर करा रहा है इग्नू। उनमें भी 6 महीने कोर्स वर्क आप कर लोगे, जैसे मेरा अभी एक अपॉइंटमेंट लेटर है तो मैंने मेरा कोर्स वर्क अब कम्प्लीट होने वाला है, 28 को एग्जाम हो जाएगा तो कुछ दिन और है, तो वो रेगुलर ही है कोर्स वर्क आपने कर लिया, दैट इज रेगुलर, दैट इज नॉट अ डिस्टेंस मोड, ध्यान रखना, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू मैम, वेलकम, थैंक यू। चलो रुचि, रुचि जी आप हो इसमें? हाँ जी मैम मैं हूँ। चलो आप, मैं सुन रही थी। हाँ गुड आफ्टरनून मैम, थैंक यू सो मच, वेलकम, कहना बनता है मैम यहाँ पे। हम लोग बहुत मिस भी कर रहे थे, आज 15 बार आपको मीट में देख रहे हैं। हाँ एक्चुअली बहुत दिनों बाद देख रहे, गुड इवनिंग मिस्टा। तो मुझे रुचि जी, मैंने आपको इसलिए पॉइंट आउट किया है क्योंकि आप अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करो, मुझे पता है आपको कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ज्यादा मैटर करता है, तो आप बताओ। हाँ मैम नो डाउट, 2020 में जो एग्जाम दिया था वो फर्स्ट अटेम्प्ट तो क्या पढ़ा नहीं था ज्यादा, बस ये था कि दिया था, उसमें भी 55% आए थे मैम, जनरल कैटेगरी थी, कुछ अचीव नहीं हुआ था। फिर उसके बाद जब आपके साथ आए, आइकॉनिक का लिया हम लोगों ने, मतलब कहते नहीं है हम लोग के, शायद वही बहुत अच्छा डिसीजन था, और सबसे अच्छा डिसीजन ये था कि आप हमारे मेंटर थे, क्योंकि हम लोग इधर उधर भाग रहे थे, कभी हम लोग किसी को लेते थे, हम लोग कभी किसी को लेते थे, हम लोग का डेडिकेशन मोटिवेशन, क्योंकि मैम देखिए बुक सबके पास है, पीडीएफ सबके पास है, पीवाईक्यू सबके पास है, अभी भी मैं अभी एक लड़की मैम मेरे पास इतने फोन आ रहे हैं जब से नेट क्वालिफाई हुआ है, वो मुझसे ये कहते हैं कि तुम्हारी 42 की एज है, तुमने कैसे कर लिया, हम तो सोच ही नहीं सकते हैं। तो मैम उनको मैंने यही बोला, मैंने आप ही का नाम लिया, मैंने कहा मेरे से इतनी छोटी है, लेकिन उसने जो हम लोग को कहते नहीं मोटिवेट करा है, जो उसने डेडिकेशन हम लोग की तरफ दिखाया, वही डेडिकेशन से हम लोग ने भी मेहनत करी, ऐसे चाहे निष्ठा हो, निष्ठा का जेआरएफ है हमारा, नेट है गुड्डी अनु, हम सबका नेट है, हम लोग खुद अंदर से इतना अच्छा लगता है, सुबह 3 बजे हम लोग उठते थे, एक दूसरे को फोन करते थे कि पीवाईक्यूज करने, पल्लवी मैम को प्रेजेंट मार्क करना है, कि हाँ मैम को पता चल जाए हम लोग कितने बजे उठ रहे हैं, आप अगर नहीं डांटे कितने बजे तुम लोग की गुड मॉर्निंग, हम लोग एक एक बात याद आ रही है, इस टाइम जब सब कर लिया क्वालिफाई हो गया तब हम लोग को लग रहा है कि अगर उस टाइम आपने ये हम लोग को नहीं करा होता तो क्या हम लोग यहाँ पहुंच पाते, क्योंकि मैम हमने उन लोगों को भी देखा है 0.1% से नेट रह रहा है, 0.1% से जेआरएफ रह रहा है, मतलब खुद हम लोग को अफसोस हो जाता है, लेकिन जो सच्चाई है, और मैम इतना सब बीच में हुआ, कोविड वाला सीन था, इतना हम लोग डिप्रेशन में गए, कहना चाहिए आप बहुत छोटे हो हमसे, लेकिन तब भी बहुत मोटिवेट करा, मैं तो अपने को कहूंगी मेरे से बहुत, मेरी बेटी 18 की है, मेरी बेटी से थोड़ी सी तो बड़ी हो, मतलब एक सिंपल सी बात है, बहुत बड़ी चीज होती है किसी को ये कहना कि गुरु गुरु रहता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, नो डाउट यू डिजर्व दिस पल्लवी मैम, देखिए ये हम दिल से बोलते हैं, और इस चीज को तो मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं कहाँ मैं लिख दू क्या बोल दू कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे लिए नेट क्वालिफाई करना बहुत बड़ा अचीवमेंट,
मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं नेट भी निकाल लूँ, मतलब एक होता है कि हाँ ठीक है, लेकिन अगर हमने मेहनत करी तो उसमें मैं 80% क्रेडिट आपको ही दूंगी, 20% अपना लूंगी, क्योंकि आप अगर ना होते ना तो हम वो जो टू डू लिस्ट भेजना, आई स्टिल रिमेम्बर, तारीफ हो जाती थी मेरी, खाली रुचि की टू डू लिस्ट आती है और किसी की नहीं आती है, तो उससे और मिलता था, निष्ठा को डांट पड़ती थी, जितना निष्ठा को भी ध्यान होगा हम लोग कितना, मतलब वो अगर हमें नहीं मिला होता नेट नहीं निकल सकता था ना, ये सच्चाई है। क्योंकि मैम देखिए मार्केट में वीडियोस भरी हुई हैं, यूट्यूब चैनल भरे हुए हैं बहुत सारे, और मैम मेरे को तो बचाने वाला पेपर टू है, पेपर टू में मेरे 99.8% आई है मैम, मुझे इतना अच्छा लगता है वो देख के डिजिट, लाइफ में कभी इतनी बड़ी बड़ी डिजिट नहीं देखी अपने रिजल्ट में, बहुत अच्छा लगता है वो देख कर। रुचि जी से यही पूछा था कि रुचि जी मैं आपको रुचि कभी बोल देती हूँ फ्रिक्वेंटली बात करते में, तो आपको बुरा तो नहीं लगता ना, एंड सी सेड कि मैम किसी को हम मन से बोलते हैं मैम, एंड तो आप इस चीज़ के लिए बुरा मत मानो कि आप अभी डायरेक्टली रुचि बोलते, तो एंड ट्रस्ट मी मैंने इन लोगों को इस तरीके से मतलब ज़बरदस्ती कर करके पढ़ाया है, जो सुबह 3 बजे उठने की बात बोली एंड ऑल, एंड वो अभी मैं यहाँ भी जो इवन मैं फ्री लर्नर्स को भी मैं हमेशा बोलती हूँ, प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाती है फ्री में कि वो मुझसे आके नहीं बोलते, वो कभी क्लासेज अटेंड नहीं करते, जिस दिन वो प्रॉपर तरीके से क्लास अटेंड करने लगेंगे, प्रॉपर तरीके से सारा कुछ देखने लगेंगे, उन्हें फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं भटकने का जरूरत नहीं पड़ेगा पेपर टू के लिए या कुछ भी, ये मेरा मानना है, आई डोंट नो बाकी लोग भी हैं वो भी अपना फीडबैक देंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन है फिर मैं थोड़ी देर बाद किसी और को बताऊंगी। मैम एक चीज और मुझे ध्यान है, सुजाता मैम ने याद एक मीटिंग ली थी उसमें मैम से मैंने ये बात की थी कि मैम मैंने सोचा अगर इस बार नेट नहीं हुआ तो फिर मैं दूंगी नहीं, मैंने छोड़ी देना, मैं नेट का सोचूंगी नहीं, तब आपने कहा था मैम ये बात रुचि मैम बोलती है मुझे बहुत बुरा लगता है, इतना डिमोटिवेट हो जाती है, वो बात मुझे आज भी रिकॉल होती है कि उस टाइम अगर ना हड़काया गया होता तो शायद सच्ची में डिमोटिवेट हो गए होते और ना नेट ना निकला होता। बिल्कुल, थैंक यू, रियली थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू जी जी। सो चलो नेक्स्ट रितेश, आप कुछ बोलना चाहते हो, आप अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ बोलो जयश्री। मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जब भी कुछ स्टूडेंट नहीं हो फिर भी जब भी मेरे कोई क्वेरीज आए हैं जब भी इंस्टेंट आपसे रिप्लाई मिलती थे, पहली बात तो ये है, और मेरा मन में कुछ पीएचडी को लेके कुछ नेट को लेके कोई भी क्वेश्चन आप इंस्टेंट जो रिप्लाई मैम वो स्टूडेंट के बीच एंग्जाइटी होता है कि ये क्या है क्या है, तो इंस्टेंट अगर रिप्लाई नहीं मिलता तो वो और बढ़ जाता है, लेकिन आपको देखी हूँ मैं जब भी आपको कुछ भेजती तो आप रिप्लाई करते, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैम जो आप लास्ट में नेट के एग्जाम के पहले जो लास्ट जो एक एक यूनिट करके पढ़ा रहे थे उसका सारा कुछ नोट मैं कॉपी में बना ली थी, और आपका पढ़ाने का स्टाइल जहाँ से पेपर में आ रहा है वो एग्जाम्पल दे उठा उठा के वो क्वेश्चन उठा उठा के जो आप क्लैरिफाई करते थे उसके बहुत हेल्पफुल मैम है ना, मेरा मैम नेट में 99.28 ऐसे करके परसेंटाइल आया, कुछ परसेंटाइल के लिए जेआरएफ रह गया, तो मैं मेरा जो तैयारी की थी मेरे ख्याल से ठीक ही था, लेकिन वो एग्जाम हॉल में जाके मेरा थोड़ा बहुत डिस्टेंस था, मैं सुबह निकली थी मेरा 66 में एग्जाम था तो थोड़ा जर्नी करके वो करके थोड़ा तबीयत भी वो हो गया था, और थोड़ा वो कंप्यूटर में एप्लीकेशन के टाइम मुझे प्रॉब्लम आ गई थी क्योंकि मैं घर में ऐसे प्रैक्टिस नहीं की थी, फ़ोन पे ऐसे करती थी, फ़ोन पे ही मतलब जो जहाँ पे वो MCQ आप कराते थे या कोई ऐप पे भी वो फ़ोन से करती थी, कभी वो कंप्यूटर में नहीं किए, तो हो सकता है इसकी वजह से अप्लाई करने के टाइम कुछ प्रॉब्लम हो गए होंगे, या वो उस टाइम दो ऑप्शन के बीच में एक कुछ क्वेश्चन में दो ऑप्शन के बीच में थोड़ा वो मतलब डिसीजन मेकिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई शायद, इसलिए मेरा मतलब JRF रह गया मैम, लेकिन फिर भी मैं आपके क्लासेस से आपसे बहुत बहुत मतलब हेल्प मिली मुझे, इतना अच्छा मतलब क्लैरिटी मतलब वो दिखता है आप मतलब घर पर पूरा
मतलब इतना प्रिपेयर करके हम लोगों को पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, वो पूरा दिखता है मैम, क्लास में पूरा दिखता है। थैंक यू। और मैम स्पेशली थैंक यू, जब भी मेरा क्वेरी आए आप तुरंत उसको सॉर्ट आउट किए, थैंक यू फॉर दैट। बिल्कुल ज्यादा रह गया है तो इस बार फिर से ट्राई करो। एंड अगेन वही जो जैसे मैं स्ट्रेटजीज बोलती हूँ सभी के लिए, ये सभी के लिए जिनका जेआरएफ हो चुका है वो भी पढ़ाई मत रोकना प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। क्योंकि मैं अभी अपना जहाँ से भी पीएचडी कर रही हूँ मैं देखती हूँ जब लर्नर्स को, मतलब लर्नर्स क्या जो मेरे साथ मेरे बैचमेट्स होते हैं उनको भी मैं देखती हूँ कि जेआरएफ हो जाता है तो छोड़ देते हैं पढ़ाई। हाँ, लेकिन जब सामने से, क्योंकि इसके बाद आप बहुत सारी इंटरव्यूज फेस करोगे, अपनी पढ़ाई जहाँ रोक दिया समझ लो सब निकल जाएगा। जिस दम से पढ़ा है ना, एटलीस्ट कुछ नहीं ऐसे घूमते फिरते, अगर क्लासेस फ्री क्लासेस देख लो यूट्यूब की, रिकॉर्डेड देख लो, लेकिन घूमते फिरते क्लासेस जरूर देखो, उसको छोड़ो मत। जिस दिन छोड़ दोगे ना उस दिन समझ लो आप अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे खो रहे हो, क्योंकि अब कंपटीशन एजुकेशन फील्ड में बहुत बढ़ रहा है। तो पढ़ाई तो छोड़ना नहीं है, चाहे किसी का जेआरएफ हुआ हो या नहीं हुआ हो, तो ये अपने माइंड में हमेशा कॉन्सेप्ट रखना। अब थोड़ा बात करते हैं जिन लोगों का नेट हो चुका है और जेआरएफ के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। ठीक है, एक और मैं न्यूज़ भी देना चाहती हूँ, लाइक मेरे पेड बैच में बहुत सारे लर्नर्स हो चुके थे तो मैंने इसीलिए भी आइकॉनिक को ड्रॉप कर दिया, एंड इन्हें भी वहाँ भी मेरे पास लर्नर कम थे तो मैंने आइकॉनिक को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। अब मतलब मैं अनअकैडमी आइकॉनिक में नहीं हूँ, मैं खुद का अपना जो है बैच चला रही हूँ। ठीक है, एंड इट्स नॉट अ फोर्स, ना ही मैंने किसी को बोला है कि हाँ मेरी बैच को ज्वाइन करो, मैं किसी को नहीं, जो मेरे पास पहले पूछता है कि मैम कैसे पढ़ें, मैंने हमेशा सब उसको सबसे पहले यही बोला है बिल्कुल एवरीथिंग अवेलेबल है आपको फ्री में, जो पढ़ना है पढ़ो, पढ़ना आपको है। पेड बैच लाने का सिर्फ मेरा मकसद इतना ही सा था कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको एक मोटिवेशन चाहिए, जिनको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, जिनको मैं पोक करती रहूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको चाहिए कि मैं बोलूँ पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, क्लासेस देख रहे हो, मेरा टास्क किए हो या नहीं किए हो। तो स्पेशली इसके लिए मैंने पेड बैच लाई हूँ। हाँ ऑफकोर्स अब पेड है तो थोड़ा मुझे वहाँ एक्स्ट्रा इनपुट तो देना ही होगा, लेकिन फिर भी मैं फ्री में भी उतना ही इनपुट देती हूँ। तो ऐसा कोई ये नहीं है कि कोई को मेरी पेड बैच लेनी होगी, मैं ये कहती हूँ कि जो मेरा रिजल्ट इस बार का दिख रहा है सभी को टेलीग्राम पे, वो मेरे फ्री लर्नर्स का ही है। किसी ने मुझे पैसा पे नहीं किया था मेरी कोर्स के लिए, या मैंने कोई कोर्स लाया था, वो मैंने फ्री में ही पढ़ाया। मैं चाहती तो वहाँ भी लिमिट कर सकती थी, लेकिन कुछ लिमिट नहीं किया। इवन अभी भी मेरी पेड बैच आने के बाद भी, पेड बैच आ चुका है उसके बावजूद भी, मैं जो भी कंटेंट पढ़ा रही हूँ आप देखो इन डेप्थ है। स्पेशली उन बच्चों को मैं कहना चाहूंगी जिन्होंने कहीं से कहीं और प्लस सब्सक्रिप्शन लिया, वो जरूर कंपेयर करो। देखो देखना नहीं देखना बिल्कुल आपके ऊपर है, कोई फोर्स नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी दिल से अगर फॉलो करोगे और ट्रस्ट करके फॉलो करोगे तो रिजल्ट पक्का आएगा। मैं जैसे अभी कुसुम है हमारे साथ जुड़ी हुई, मैं उनसे आप लोगों का डिस्कस कराना चाहूंगी। मेरी इंटरव्यू उसने नवदीप कौर मैम से देखा था और उसने उस समय मुझे इंटरेक्ट करा था जब मेरा रिजल्ट आया था, एंड सी सेड कि मैम मैंने उनके नाम उन्होंने आपको बोला था देखने को तो मैंने आपको देखा, एंड इस बार उसका उनका भी रिजल्ट है। तो कुसुम प्लीज आप भी कुछ पूछना चाहते हो या कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो प्लीज। हेलो मैम। हेलो कुसुम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपसे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला। रियली मैंने आपको जून से केवल फॉलो किया है और मैं प्री लर्नर हूँ, और मैंने जब आपको आपका पॉडकास्ट देखा तो मैं उससे इम्प्रेस बहुत हो गई थी, इतनी छोटी यंग में और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने जो है जेआरएफ किया था। और जब मैं देख पहले मैंने ज्ञानस्थली क्लासेस भी देखी लास्ट ईयर, उनसे भी कंटेंट आपको ऑफकोर्स मिला कंटेंट, मतलब उसमें तो मैंने पेड ज्वाइन किया था बट मेरा नहीं हो पाया था। फिर मैं नवदीप मैम की वो देखती थी, फर्स्ट पेपर के लिए नवदीप मैम को देखती थी, तो उन्होंने बोला था कि ये एन अकेडमी वो इनका अपना चैनल है पल्लवी पाठशाला, मैंने सेम डे उसको ज्वाइन किया। और जब से मैंने आपको देखना शुरू करा फिर मैंने कहीं और नहीं देखा, और जो है आपके जो भी टॉपिक्स थे वो इतने पिन पॉइंटेड थे, वो मुझे क्लियर होते थे। जैसे कि स्किनर का जो वो ट्रेनिंग वाला है वो मुझे आज तक समझ नहीं आया था, और मैं उसको बहुत कोशिश करती थी उसको ट्रेनिंग को समझने का, लेकिन मेरे से गड़बड़ होता, लेकिन आपने इतने इजीली उस चीज को समझाया है कि मतलब वो बहुत ज्यादा। और एडमिनिस्ट्रेशन जो लीडरशिप हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, जो वो है मैम लीडरशिप स्टाइल्स,
वो फर्स्ट टाइम मैंने आपसे इतने क्लियर पाए हैं, और मतलब फ्री में कोई इतना अच्छा कंटेंट दे सकता है, इतने एफर्ट्स डाल सकता है, ये मैंने आपसे ही देखा है। और रियली मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ आपको, मैं यही ब्लेसिंग्स दे सकती हूँ कि आप जो चाहे आपको मिले वो, आप इतना कुछ कर रहे हैं इतने सारे लोगों के लिए। और मैं भी होप छोड़ रही थी कि मतलब मेरे से नहीं हो पाएगा, अब एज भी हो रही, मतलब इतना ज्यादा पढ़ा नहीं जाता है, आफ्टर मैरिज बच्चा भी है, तो इतना ज्यादा मतलब आपने जो PYQs भी इतने डीप में सिखाए समझाए, रिसर्च में मुझे बहुत डर लगता था, रिसर्च भी मैंने काफी सीखा आपसे, और जून से मैंने आपको फॉलो किया, जून से और दिसंबर तक जब तक पेपर नहीं हुआ मैंने टोटली सारी क्लासेस देखी हैं, डाउनलोड की हैं आपके रिसर्च के, खास तौर से जो रिसर्च के जो वीडियोस हैं मेरे सारे डाउनलोडेड हैं, उसको मैं ऐसे चलते फिरते भी पढ़ती रहती थी, सुनती रहती थी, ऐसे ईयरफोन डाल के सुनती रहती थी जब काम वाम करती थी। तो अब जब मेरा रिजल्ट आया मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतना 99.33% मेरा बना है, तो क्रेडिट गोज टू यू ओनली, है ना, थैंक यू सो मच। एजुकेशन में इतना अच्छा कंटेंट और इतना अच्छा टीचर फर्स्ट टाइम मैंने देखा, रियली थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एनीवन एल्स जिनका कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हो तो वो पूछो, फिर हम लोग किसी और का फीडबैक सुनेंगे। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो। मैम एक चीज पूछनी है, जैसे मैम हम तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से PhD एनरोल कर चुके हैं, लेकिन मैम ये चीज सुनने में आ रही है कि मैम PhD के साथ जॉब नहीं कर सकते हैं। हाँ ये तो सही बात है, वो आप नहीं कर सकते हो, वो मतलब कब तक, क्या पूरी PhD तक नहीं कर सकते? नहीं नहीं, खाली कोर्स नहीं, नहीं नहीं, ये हर जगह का अलग अलग होता है, ठीक है, वो वहाँ आपको हर एक यूनिवर्सिटी का, ये चीज़ भी सबको ध्यान से समझो, हर एक यूनिवर्सिटी का अपना ऑर्डिनेंस होता है, उसको जरूर पढ़ना, वो समझ लो एक PhD स्कॉलर के लिए रटने वाली चीज़ होती है, आपको उसके हर एक पॉइंट को रट लेना होगा, एवरीथिंग यू हैव टू रिकॉल इट, हर एक चीज़ छोटा से छोटा सब कुछ आपको उसको रटना होगा, क्योंकि उसमें अगर बोल देगा कि जो रिसर्च स्कॉलर है वो 6 महीने के बाद पार्ट टाइम जॉब कर सकता है, तो वो पार्ट टाइम जॉब कर सकता है, लेकिन अगर उसमें लिखा है कि रिसर्च स्कॉलर जो है 6 महीने के बाद भी पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकता है, तो वो नहीं कर सकता है, चाहे वो फुल टाइम है, तो वो चीज़ आपको अपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पूछना होगा कि वहाँ उनका क्या सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, मतलब जिस यूनिवर्सिटी से हम करेंगे, ये उस यूनिवर्सिटी का नॉर्म सेट होगा कि हाँ आप हमारे यहाँ करते हुए कर सकते हो। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी का कोई रोल नहीं है, नहीं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का ये है कि पार्ट टाइम कराते हैं, लेकिन 6 महीना कोर्स वर्क हर जगह का कंपलसरी है, वो 6 महीने की कोर्स वर्क आपको करना होगा, आप वो नहीं छोड़ सकते। ठीक है, ओके। सो फिजिक्स ने कुछ पूछा है, आई डोंट नो उसका पता चल जाएगा क्या 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 रिम्पी, अगर छुप के जॉब कर ले फिर भी पता चल जाएगा। अब ये वाला बात तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना, ये चोरी से करना चाह रहे हो, ये तो छुप के पूछो। पल्लवी मैम हुआ क्या, मुझे ना 2 यूनिवर्सिटीज से अप्रूवल के लिए मांगी गई कि अपना नेट सर्टिफिकेशन दे दो अप्रूवल के लिए, तो हमने जब 2-3 ये गलती बिल्कुल नहीं मत करना, ठीक है, ये नहीं करेंगे, पता चला कहेंगे फंस जाओगे बहुत बुरा, क्योंकि अप्रूवल का मतलब होता है ये तुम्हें पॉइंट दिखाएंगे और तुमको कुछ अमाउंट दे दिया जाएगा, लेकिन वो तुम्हें ऐसे जॉइनिंग नहीं दे रहे। नहीं, और स्पेशली ये JRF वाले बच्चों के लिए स्पेशली, रिम्पी तो तुम तो बिल्कुल नहीं, तुम छुप के तुम दिखा के तुम कैसे भी नहीं कर सकती हो, तुम अगर कर दोगी तो तुम गई, तो तुम नहीं कर सकती हो, ठीक है, वो सीन है। सो फिजिक्स का एक क्वेश्चन था, इसको अपनी शादी के लिए इकट्ठे करने हैं पल्लवी, उसकी जरूरत नहीं उतने तो मैं हाँ, तो वो फिजिक्स का क्वेश्चन था, मैं उसके क्वेश्चन को थोड़ा रिप्लाई कर देती हूँ। उसने पूछा, अच्छा ये परसेंटाइल और परसेंटेज वाली बात को मैं क्लियर कर देती हूँ, एक बार समझ लो, बहुत सारे ऐसे लर्नर होंगे जिनका 94% है, ठीक है, और उनका JRF है, राइट, और सेम कुछ ऐसे भी लर्नर होंगे जिनका दिखा रहा होगा कि 94% है लेकिन फिर भी JRF नहीं है, है ऐसा कोई यहाँ पर जिन्होंने ये केस सामने से देखा है?
अगर है तो मैसेज में लिखो यस या नो जो भी। तो देखो ये जो केस है, ये जो केस है ना, वो ये नहीं है कि आपका भी 94 है तो आपका भी JRF होना चाहिए, नहीं। परसेंटाइल ये बता रहे हैं कि आपके नीचे इतने बच्चे हैं। अगर किसी का जैसे मेरे इसमें एक 100% मोहन है, ही इज क्वालिफाइड, उसने पहले ही उसका मुझे पता था कि वो पूरी, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा मार्क्स है पेपर वन में भी और पेपर टू में भी, स्पेशली पेपर टू में तो बहुत ही मार्क्स है उसको। तो उसने जब मुझे भेजा था उसका मार्क्स सबसे ज़्यादा है, इसलिए वो 100% है। 100% कहने का मतलब है कि वो सभी बच्चों से सबसे ऊपर है, हाईएस्ट मार्क्स उसका पेपर टू में इतना होगा, दैट इज कॉलिंग, वो है परसेंटाइल। अब आपको आपका कितना मार्क्स है या आपका कितना टारगेट है, तो आप किसी एक ऐसे जेरफ वाले बंदे को पकड़ो जिसका परसेंटाइल थोड़ा भी कम हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, अपनी अपनी कैटेगरी को, और उससे ये पूछो कि भाई तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही हुए थे पेपर वन में भी और पेपर टू में भी, एंड टेक दैट एज अ बेंचमार्क। वो आपके लिए बेंचमार्क होगा जिससे आपको ये ध्यान रखना है कि अब आपको इसके ऊपर जाना है, इसके नीचे नहीं। समझ रहे हो इस चीज़ को? ये आपको अब ध्यान में रखना है कि अब इसके ऊपर जाना है, इसके नीचे नहीं, ठीक है? तो जिनको भी ये कन्फ्यूजन है कि परसेंटाइल इज द परसेंटेज, नो, परसेंटाइल इज नॉट परसेंटेज, ध्यान रखना वो परसेंटेज नहीं है, ठीक है? तो आई होप कि फिजिक्स आपका जो ये डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट निवेदिता का एक क्वेश्चन है कि मेरा नेट क्वालिफाइड नहीं है। अगेन मैं बोल रही हूँ, मेरी फ्री कोर्स में मैंने स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी, मैं डेली कंटेंट भी डाल रही हूँ, देखना आपको है। कुछ बच्चे जो है देख रही हूँ मैं कि वो रेगुलर देख रहे हैं, और कुछ बच्चे बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। जो नहीं देख रहे हैं, कोर्स इनरोल किए हुए हैं, मैं ही नहीं कह रही, फ्री कोर्सेज भी मेरे 200 के अराउंड जो लर्नर्स इनरोल किए हुए हैं, ठीक है, लेकिन वो देख नहीं रहे। इनरोल करने के लिए थोड़ी ना बोला है भाई, उसको देखो। अगर तुम उसको भी ईमानदारी से फॉलो करते हो ना, आपका कोई कंटेंट नहीं छूटेगा, कोई भी कंटेंट नहीं छूटेगा, ये याद रखना। नथिंग इज गोइंग टू बी लेफ्ट, कुछ नहीं छूटने वाला है, ठीक है? तो निवेदिता आप तो देख ही रहे हो, मुझे पता है आपको, मैंने देखा आप मेरी हर क्लासेस देख रहे हो, तो बिल्कुल वैसे स्टार्ट करो। यूनिट वाइज मैंने पेपर वन भी स्टार्ट कर दिया, तो आप वहाँ से भी स्टार्ट करो, पेपर टू पेपर वन दोनों एक एक साथ लेके चलो। और कोई भी गाइडेंस हो यू कैन आस्क मी, आप तो पूछते रहते हो तो किसी भी टाइम पूछ सकते हो, ठीक है? सो अब मैं चाहूँगी कि रेखा, एक्चुअली उनका भी JRF है, तो मैं उनसे उनका फीडबैक एंड ऑल लेना चाहूँगी। तो रेखा प्लीज़। यस मैम, यस। हेलो हेलो एवरीवन, एक्चुअली हेलो हेलो, मैं महाराष्ट्र से हूँ, पूना से भी। सो मैं यहाँ पे एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम जब 2019 में नेट क्लियर किया था, तब जब मैंने सिलेबस ओरिएंटेड जो भी मटेरियल देखा था इन माय मतलब स्टेट, तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ मटेरियल कुछ भी नहीं मिला। एंड आई हैव मतलब बहुत ट्राई किया, बहुत पढ़ाई कर दी थी, पर कंटेंट और सिलेबस ओरिएंटेड कंटेंट मुझे कहीं पर भी मिला नहीं था। और जब जिस टाइम पे मैं तैयारी करती थी तो इतना यूट्यूब पे भी मटेरियल बिल्कुल भी नहीं मिलता था। और फिर जब मैंने तरबीर सर को उस टाइम पे 2018 में अनएकेडमी पे देखा, तब मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया था, तो आई क्लियर्ड बिकॉज ऑफ हिम। पहली नेट मैंने उनके मतलब हेल्प से ही क्लियर किया। फिर एजुकेशन का जब बात आती है, तो आई ट्राइड सो मेनी थिंग्स कि अनएकेडमी पे भी मुझे इतना कुछ सपोर्टिव और कंटेंट ना क्लियर नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। पर जब मैं पल्लवी मैम आपका जब कंटेंट यूट्यूब पे देखना चालू किया, ईच एंड एवरी स्मॉल स्मॉल यूनिट आपने जो इतने अच्छे से क्लियर करवाया ना, मतलब साइकोलॉजी का जो पार्ट है वो वाला और बाकी के सब, मतलब पूरा का पूरा सिलेबस बिफोर एग्जाम ने आपसे क्लियर किया था, मतलब मैंने कभी भी पूरा पढ़ाया नहीं। तो 2018 से अभी तक मैं प्रिपेयर कर रही थी, तभी से अभी तक मैं बोल रही हूँ कि मैंने सिलेबस पूरा कंप्लीट ही नहीं कर पाई, पर दिस टाइम बिकॉज ऑफ पल्लवी मैम मैंने पूरा का पूरा कंटेंट जो है सिलेबस वो पूरा कवर किया, पूरा पढ़ाई किया। और छोटे छोटे जो कंसेप्ट थे, जो कि दिस टाइम में ये जो अभी एग्जाम का बहुत पैटर्न चेंज हुआ था, इस 3 December को जो भी एग्जाम हुई थी उसका पैटर्न बहुत ही अलग था, बहुत ही मतलब कंसेप्ट जो था जो
जो डीप पढ़ाई कर चुके हैं उनको ही वो क्लियर करने के लिए आया था। तो इट इज लाइक कि ये वाला जो कंसेप्ट क्लियर जो बेसिक था वो मैम से बहुत ही क्लियर हुआ मैम, दिस इज रियली हेल्पफुल। एंड जो ये पूरा ऑल ओवर इंडिया के सब रिम्पी मैम है, शुभ्रा मैम है, सुजाता मैम है, ये लोगों ने बहुत ही हेल्प की है। मतलब इन लोगों का भी, रिम्पी मैम का भी मैंने वीडियोस देखे हैं, उनके शॉर्ट नोट बहुत एट द एंड में भी बहुत अच्छे से मैंने देखे थे, बहुत ही हेल्पफुल हुआ मैम सीरियसली। और आपके जो भी रिविजन लिया था आपने लास्ट में पूरा पूरा एक एक घंटे का दो दो घंटे के वीडियो आपने रिवीजन में किए थे, दैट वीडियोस आर इतना हेल्पफुल रहा ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती, उससे ही मैंने पूरा रिवाइज कर रखा था, बहुत हेल्पफुल। आवाज आ रही है मेरी? महाराष्ट्र का जो मैं बोल रही हूँ मराठी में उतना कंटेंट नहीं रहता है, उतना क्लियरिटी, वो तो बुक्स का भी वैरायटी पढ़ने की जो स्टाइल है, जैसे कि रिम्पी मैम थी, शुभ्रा मैम थे, बाकी के जो भी लर्नर्स है उनके नाम नहीं ले पाऊंगी, बट उनके जो पढ़ने की स्टाइल है वो दैट रियली हेल्पफुल मी। आप कैसे मतलब सिलेबस कहाँ कहाँ से कवर कर रहे थे, कौन सा कंटेंट पढ़ रहे थे, फिर एग्जाम PYQ सॉल्व कर रहे थे, वो भी बहुत हेल्पफुल रहा, जो कि मुझे यहाँ पे मिल नहीं रहा था, दैट रियली हेल्पफुल। एंड पल्लवी मैम आपका यूट्यूब चैनल है ना एजुकेशन के लिए लाइक इट इज बहुत मेडिसिन है, सब क्लियर हो जाएगा, कुछ मत करो, वो पूरे के पूरे वीडियोस पढ़ो, बस हो जाएगा। थैंक यू नेट तो कंफर्म है, 100% कंफर्म है, बस देखने से ही कंफर्म है। थैंक यू सो मच। लाइक देखो गाइस, मैं अगेन यहाँ पे फिर से बोलूंगी, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ जैसे रेखा ने बहुतों का नाम भी लिया, बिल्कुल मैंने हमेशा इवन अपनी क्लास में इवन मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो देखो कि सब में मैंने बोला जिस से समझ में आता ना आप उतनों को फॉलो करो, बस एक चीज जरूर ध्यान रखना, इतना मत फैल जाओ। मैं अभी यहाँ गारंटी के साथ कह सकती हूँ अपने आप को झांकना जिनका नेट नहीं हुआ है, उन लोगों ने सिर्फ एक को फॉलो नहीं किया, 50 को फॉलो किया, मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, ठीक है। मैंने मोर देन 50 कहने का चांस है, इधर भी उधर भी ये भी थोड़ा वो भी देख लेते हैं, जहाँ जहाँ से आया सब जगह से देखा, क्यों जब आपको ऐसा फील हो रहा है ये दो क्लास ये दो लोग मेरे लिए सफिशियंट है, पेपर वन के लिए मेरे लिए ये दो एजुकेटर सफिशियंट है, चलो दो नहीं तीन सफिशियंट है, पेपर टू के लिए मेरे ये तीन सफिशियंट है, तो सब क्लास क्यों, सबको क्यों, जितना आप अपने आप को लिमिट करके सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालोगे सॉरी उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी मत ये करो, अपने आप को थोड़ा लिमिट करो, थोड़ा सोचो कि कहाँ से कैसे चलना है, ठीक है। अभी यहाँ पे बहुत सारे इस बात के लिए मैं कैट ऑन करूँगी, मुझे याद है जब हम लोग ने अकेडमी लिया था, जब आप शुरू में आए थे तो हम लोग पेपर वन के लिए भी सोचते थे, तलवीर मैम, नवदीप मैम, शिवा सर, निहारिका मैम, बहुत फैल गया था हम लोग का, तो हम लोग ये हो जाते थे कि अरे यार उनकी भी लाइव क्लास है, फिर आपने हम लोगों ने कहा था लाइव क्लासेस के पीछे मत भागो, रिकॉर्डिंग्स पे जाओ, अपने टाइम पे अपनी पढ़ाई करो, जहाँ तुम्हें लगता है डाउट है तो लाइव क्लास को रिकॉर्ड करो। यही पेपर टू में मैम हुआ था, आई स्टिल रिमेम्बर, हम लोग इतना इधर उधर भाग रहे थे, कहते नहीं एक जगह फोकस रह ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि कई बार ये भी हो जाता एक एजुकेटर कुछ बता रहा था, एक एजुकेटर कुछ बता रहा था, लेकिन हमें आज भी याद है आप ये कहते थे कि जिसका तुम्हें समझ में आए, जिसका तुम्हें क्लियर हो, खाली उसको फॉलो करो, 10 जगह मत भागो। और मैम कहीं ना कहीं अगर आज हम लोग के रिजल्ट्स आए हैं तो ये यही वजह है कि हमने वो कहते नहीं रायता फैला तो दिया, समेटा नहीं जा रहा था, वो चीज थी, वो जैसे ही सिमटा तो सारी चीज फोकस हो गई। बिल्कुल एकदम, इसीलिए मैं कहती हूँ, अरे मेरा ये मीटिंग रखने का भी ये फोकस नहीं कि आप सुनो कि हाँ मेरी वजह से इतनों का जेआरएफ आया, नहीं, मैं कह रही हूँ कि ये जिन कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो सिर्फ मेरे से नहीं पढ़ेंगे और भी जगह से पढ़े होंगे, लेकिन
वो और जगह को वो लिमिट करके पढ़ो। सीधी सी बात है, अपनी एक चीज हमेशा ध्यान रखो, वो ये कि आपको ये अपने माइंड में फोकस करना होगा कि आपको जब कोई चीज देखनी है तो फिक्स कर लो कि मुझे इनका कंटेंट इतना लग रहा है कि अगर इसके बाद मैं बुक नहीं भी देखूं मेरे लिए सफिशिएंट है, तो मत जाओ ना फिर दूसरे एजुकेटर के पास भी मत जाओ। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं इनका कंटेंट थोड़ा लिमिटेड है, समझ तो आ रहा है लेकिन कुछ और भी देखना होगा, तब जाओ, तब आप बुक को प्रीफर करो, किसी एजुकेटर को प्रीफर करना चाहते हो, जिसको प्रीफर करना चाहते हो उसको प्रीफर करो। उसके लिए बिल्कुल भी मत सोचो कि नहीं ये नहीं वो नहीं, ठीक है। तो ये कहेंगे। और अब कैसे स्टार्ट करना है, मैं थोड़ा सा वो एक ओवरव्यू दे देती हूँ। तो देखो, सबसे पहले अपने हिसाब से एवरीवन, जिनका नेट नहीं हुआ है या जिनका नेट हो चुका है, जिनका JRF है उनको तो मैं कहूँगी मेरी सारी फ्री क्लासेस अब जो भी लाइव लाऊंगी फिर भी देखो, हो गया हो तब भी देखो, आपका नॉलेज बढ़ेगा ही, इतना फिक्स रखो। क्योंकि मैं हर चीज़ में हर बार जब क्लास लेके आती हूँ कुछ नया ही ऐड ऑन करती हूँ, कुछ पुराना नहीं छोड़ती हूँ, तो ये ध्यान रखना। तो अब नेक्स्ट जो बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंटली, कि कैसे स्टार्ट करना है जिनका नेट हो चुका है। और इसमें भी कुछ ऐसे बच्चे जो 5 बार नेट निकाल चुके हैं लेकिन उनको गाइडेंस की थोड़ी प्रॉब्लम है, उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर वो चाहते हो एक प्रॉपर गाइडेंस तो डेफिनेटली वो, मतलब देखो मेरे लिए अब इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं सबको टाइम टू टाइम मतलब एक एक करके रिप्लाई करूँ या कुछ भी, इसलिए मैंने आज ये इससे मीटिंग रखा है। क्योंकि अब मेरा खुद का भी PhD का वर्क है, लॉ कॉलेज है, ये वो एग्ज़ाम है, सब कुछ है। तो उन लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूंगी, अपनी पहले वीकनेस देखो, जिनका नहीं हुआ है और जिनका 5 बार से नेट हो रहा है लेकिन JRF नहीं हो पा रहा, वो लोग अपनी अपनी वीकनेस पे आओ, अपने वीकनेस को देखो। सबसे पहले अपना वीकनेस में क्या देखोगे, वीकनेस में ये देखो आप लोग कि कहाँ पे गलती कर रहे हो, किस में मेरी मार्क्स कम है। अगर पेपर 1 में फील करते हो कि नहीं पेपर 1 में मेरी मार्क्स कम है, तो चेक करो पेपर 1 में कौन क्वेश्चंस तो अब आपके सामने हैं, कितने आपने सही किए वो भी आपके सामने हैं, चेक करो उनमें से कौन सी यूनिट में कम है। पहले अब आपका फोकस होना चाहिए, स्पेशली ये उन बच्चों के लिए ये स्ट्रैटेजी है जिनका 4 बार नेट हो चुका है लेकिन JRF के लिए रुक जा रहे हैं, उनकी वो स्ट्रैटेजी होगी कि पहले वो उन यूनिट्स पे वर्क करें जिसमें मार्क्स कम है, जिसमें मार्क्स उनको ऑलरेडी ज़्यादा है, यानी जिसमें उनका मार्क्स कम नहीं है उसको वो देखें। स्टार्ट तो सबको 0 से ही करना है, जहाँ हम ये सोच के स्टार्ट करते हैं ना, मैंने कुछ लर्नर्स ऐसे भी हैं बोलते मैम मेरा 4 बार नेट हो चुका है, मेरा इतना कवर हो चुका है और 5वीं बार दिया फिर भी नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हम ये सोच के चलते हैं मेरा तो इतना कवर हो चुका है अब मुझे सिर्फ ये करना है। जिस दिन ये माइंड से हटा लोगे ना और ये सोच के चलोगे कि इतना करने के बाद भी मुझे फिर से 0 से करना है क्योंकि मुझे कुछ नहीं आ रहा, तभी तो मेरा रिजल्ट नहीं हो रहा। मैं ये नहीं कह रही उसके पास नॉलेज की कमी नहीं है, उसको पूरा आता है, लेकिन रिजल्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि कभी कभी हम ये हो जाते हैं इतना आता है उसको नहीं देखेंगे, लास्ट टाइम देख लेंगे, यही हम गलती कर देते हैं, ये काम नहीं करना है। बिल्कुल स्लोली स्लोली अपनी वीकनेस को पहले पहचानो, स्टार्ट करने के पहले 1 वीक का टाइम लो, रोज 1 घंटे बैठो और देखो आपकी वीकनेस कहाँ है। 1 वीक काफ़ी होता है अपनी वीकनेस को पहचानने के लिए, जैसे ही अपनी वीकनेस को पहचान लिया उस पर वर्क करो, पेपर 1 हो पेपर 2 हो दोनों पर वर्क करो। पेपर 2 तो हमें 100 यूनिट को पढ़ना है, मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं बार बार बोलूँगी और आगे भी बोलूँगी, कोई यूनिट नहीं छोड़ना। जैसे इस बार भी यूनिट 7 यूनिट 8 बहुत आया, हम क्या होते हैं इन यूनिट्स को छोड़ देते हैं, मैंने भी ऐसे यार ये तो ईजी है लेकिन आता है क्वेश्चन, इसलिए छोड़ना नहीं चाहिए, मैंने भी छोड़ा नहीं था पर हम सोचते यही है, इसलिए छोड़ना नहीं है कोई भी यूनिट, हर एक यूनिट उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। पहले ऐसे भी होता था कुछ लोग यूनिट 1 यूनिट 3 यूनिट 6 और यूनिट 9 ये 4 यूनिट कर लेंगे पेपर 2 में मेरा रिजल्ट हो जाएगा, नहीं ये भी लॉन्ग कॉन्सेप्ट है, अब हर यूनिट को करना है और हर एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को भी करना है। जैसे एक DMIS मॉडल है यूनिट 7 में, मैंने अपने पेड बैच में भी पढ़ाया है एंड अभी तक यूट्यूब पे मैंने नहीं कराया, वो करा दूंगी फ्री में भी, पर पेड बैच में मैंने कराया है और अभी तक जहाँ तक मुझे पता है ये जो DMIS मॉडल है, एक सुजाता मैम के अलावा मैंने किसी को नहीं देखा क्योंकि मैं उनसे पढ़ी हूँ किसी और को पढ़ाते हुए, ये DMIS मॉडल क्योंकि किसी और को मैंने नहीं देखा पढ़ाते हुए, मैं इतना मैं जानती हूँ, और वो मॉडल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। आज नहीं क्वेश्चन आया है अभी तक लेकिन आगे आ सकता है क्योंकि इस बार भी नेट में उन टॉपिक्स को उन्होंने उठाया है जिससे कभी क्वेश्चन नहीं आया था। मैंने कहा था अपनी रिवीजन क्लास में कि देखो ये जो 3 नॉलेज का मॉडल है, नॉलेज बेस का, इसमें से 2 पूछा जा चुका है, तीसरा नहीं आया, वो आएगा और इस बार देखो आया है, तो अब NTA उसी पे फोकस करिए जिसको टच नहीं किया है उन्होंने, ठीक है। तो अपनी वीकनेस को पकड़ो, पहला सबसे पहला काम सबका यही होना चाहिए, फर्स्ट वर्क अपनी वीकनेस को पकड़ो। उसके बाद जो सेकेंड वर्क होना चाहिए, अगर पहचान लिया कि मेरा मैथ वीक है, मेरा हिस्ट्री कह रही हूँ सॉरी, मेरा क्या बोलते हैं रीजनिंग वीक है, अगर हम ये पकड़ लिए,
अब यहाँ पर क्या करो, जो बाकी यूनिट्स है उन मैथ एक दिन में नहीं होता और एक हफ्ते में नहीं होता, ये याद रखना, मैथ रोज करना पड़ता है। और पूछ लो मेरे जो इवन मेरे जो पेड बैच के लर्नर्स हैं उनको भी मैं बिल्कुल अपनी आइकॉनिक की तरह गाइड कर रही हूँ, क्योंकि अब मेरे पास मेरे लिए वही है, तो मुझे उन्हीं का रिजल्ट चाहिए, एनी हाउ चाहिए, क्योंकि बहुत उम्मीद से कोई मेरे पास आया है तो मुझे पता है कि मुझे उन पर कितना मेहनत और कैसे करना है। मैंने उनको भी बोल रखा है, टास्क दे रही हूँ कि आपको इस एक हफ्ते में ये चीज़ ख़त्म कर लेना है, एंड ख़त्म कर लेना है। मैं पूछूंगी, नहीं करोगे तो आपका प्रॉब्लम है। तो अब एक बंदा करेगा तो दूसरा करेगा ही, खींच के आएगा ही आएगा। हैप्पी लर्निंग बनाओ, हैप्पी मोमेंट्स बनाओ, ऐसे मोमेंट्स बनाओ, हेल्दी लर्निंग का इन्वायरमेंट बनाओ, जिससे कि एक दूसरे से पढ़े, बातचीत कम पढ़ाई ज़्यादा। जो मेरा बैच ग्रुप है अलग से, उसमें मैंने यही बोल रखा है कि यहाँ कोई डिस्कशन नहीं चलेगा, मेन चीज़ जो है वो बात करो, कोई डाउट है वो डालो, कुछ पूछना है वो डालो, मैं उसको अलग से क्लास में डिस्कस कर दूंगी। लेकिन अपने रोज जो टास्क करते हो वो मुझे 10 बजे रात को भेजो कि आपने ये काम किया है, वही काम आप अपने साथ करो। फ्री लर्नर्स भी, मैं ये नहीं कह रही मेरे पेड बैच में ही आओ, नहीं, फ्री लर्नर्स भी वो काम करो। अपना एक बनाओ डेली टू डू लिस्ट और उसमें लिखो आज आपने ये पढ़ा, क्या करना है ये नहीं, क्या पढ़ा है ये देखने के लिए मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना, क्या करना है सुबह सुबह बना के, और उसको कुछ नहीं करना है, ये काम नहीं करना है कि सुबह लिख ले कि आज तो मैं ये भी करूंगी और रात में किया क्या, कुछ नहीं, नहीं, आपने पूरे दिन में क्या किया वो लिखो। अगर आपको लगता है पेपर वन में आपने एक वीडियो देखा, पेपर टू में एक वीडियो देखा, वो आप लिखो, ये आपकी प्रोग्रेस को बताएगा। हर हॉच पॉच मत करो अपनी स्टडी को, सीधी सी बात है, जैसे रुचि जी ने बोला रायता मत फैलाओ, सीक्वेंस में चलो, माइंड मेकअप कर लो कि भाई मुझे जिनका जो यहाँ बहुत सारे ऐसे भी लर्नर्स होंगे जिनका ऑलरेडी कहीं पे सब्सक्रिप्शन होगा, चाहे वो अनअकैडमी हो चाहे वो ग्रेडअप हो, उनको भी एनालिसिस करना बहुत जरूरी है गाइस। नाम आई डोंट से, आई एम नॉट सेइंग कि वो अच्छा नहीं है। हाँ देखो रुचि जी ने बोला ना उनकी टू डू लिस्ट से कॉपी पूरी भर गई है, मैंने एक स्पेसिफिकली एक कॉपी मैंने उनको बोला था खरीदने को उस टू डू लिस्ट के लिए, वही काम आप लोग भी करो, लिखो रोज और अपने आप को एनालिसिस करो क्या कर रहे हो। जब पेपर वन में 3 से 4 यूनिट फिनिश कर लोगे, ध्यान से सुनना, पेपर वन में जब 3 to 4 यूनिट फिनिश कर लोगे तब आप अपनी आरसी को उठाओ, एंड डेली एक आरसी 15-15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट, चाहे उसमें आपका 2 ही क्वेश्चन क्यों ना हो, उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना, डेली एक आरसी 15 मिनट ट्राई करो। जब वो और उसके साथ कोई अलग से अपनी पेपर वन की यूनिट चलाओ, ये काम करो, ठीक है। उस कुछ दिन बाद जब आपका 6 यूनिट तक कवर हो जाएगा तब मैथ उठाओ। पहला एक हफ्ता 2 हफ्ता पूरा मैथ को बेसिक से स्टार्ट करो। मैं भी यूट्यूब पे पढ़ाऊंगी, एंड ट्रस्ट मी मैथ्स में बहुत इजीली वे में पूरा सॉल्व कराते हुए पढ़ाऊंगी, मज़ा आएगा आपको भी पढ़ते हुए। ऐसा पढ़ाऊंगी कि भाई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको एकदम ब्रिलियंट बना दूंगी, नहीं, इतना बता दूंगी कि आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो पेपर वन का जो मैथ है उसको स्टार्ट करो। पहले तो शुरू में सब कुछ लिखो, उसकी एक अलग ही कॉपी बनाओ, सब कुछ लिखो उसमें, और उसमें जब लिख लोगे तो उसको क्या करो, एक बगल का एक पेज जो है वो ब्लैंक छोड़ो। कब, जब रिवीजन करना स्टार्ट करोगे तो उस ब्लैंक पेज में उसी क्वेश्चंस को खुद से बिना देखे सॉल्व करो। जब पूरी मैथ की सिलेबस खत्म कर लो एक बार में कि हाँ मैंने, मुझे इन क्लासेस को देखना था, मैंने इन क्लासेस को देख लिया, मेरा मैथ सिलेबस खत्म हो गया है, अब यहाँ पर आपको ये नहीं करना है कि मेरा मैथ सिलेबस खत्म हो गया अब नहीं देखना, नहीं, अब रोज एवरी डे 15 to 20 minutes 15 to 20 minutes अपनी क्लास को, अपने आप को टाइम दो। यानी टोटल कितना मिनट एक्स्ट्रा आपको देना है पढ़ने के अलावा, पेपर वन और पेपर टू के कंटेंट के अलावा, अब आपको टोटल जो है 20 and 15 कितना हो गया, 35 minutes आपको देने हैं। कैसे, 15 minutes मेरा आरसी छूटना नहीं चाहिए, जब से आपने आरसी स्टार्ट कर दिया अब एग्जाम की लास्ट डेट तक आपको देने का मन है तो आप दोगे, बीच में रुकना नहीं चाहिए। पहला, दूसरा 20 minutes जो मैंने मैथ बोला है वो डेली प्रैक्टिस होना चाहिए। डेली आप या तो अपने जो क्वेश्चंस बनाए उन्हीं को फिर से प्रैक्टिस करो, नंबर बदल बदल के प्रैक्टिस करो, जैसे करना है वैसे करो, इट्स ऑन योर चॉइस, ठीक है। ये दो चीज़ पेपर वन, और ऐसे करोगे पेपर वन का सिलेबस खत्म। पछता हायर एजुकेशन एंड पीपल एनवायरमेंट, जो कि याद नहीं होता, पूछ लो मैंने रुचि जी निष्ठा, लास्ट में मेरा सर खा गए थे ये लोग कि मैम नहीं हो रहा हमसे हायर एजुकेशन, याद नहीं हो रहा मैम, प्लीज़ पेपर वन या पीपल एनवायरमेंट याद नहीं हो रहा, मुझे डर लग रहा है मेरा मार्क्स नहीं कम हो जाएगा। मैंने उनको यही बोला, अपनी उन 8 यूनिट पे फोकस करो जो आपके हाथ में है। जो 2 यूनिट आपके हाथ में नहीं, आप कितना भी पढ़ लोगे ना, कितना भी पढ़ लोगे फिर भी, देखो रुचि जी ने लिखा मैसेज, उन्होंने 1000 से ऊपर आरसी किया था, मैंने उनको ऐसे ही गाइड किया, आइकॉनिक बिल्कुल, अभी जो मैं मेरा जो बैच चल रहा है उसमें मैं बिल्कुल वैसे ही गाइड कर रही हूँ, और इन लोगों को भी मैंने वैसे ही गाइड किया था।
और इसीलिए मैं अभी सारी स्ट्रेटेजी जो है आपको उसी के हिसाब से डिस्कस करेंगी। एक भी मतलब क्या बोलूँ, हायर एजुकेशन और पीपल इन्वॉल्वमेंट एक ऐसी यूनिट होती है ना जहाँ से आप पढ़ लोगे पूरा, याद करके जाओगे। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि पांचों का पांचों क्वेश्चन आप सही करके नहीं आ सकते हो। बोलो एग्री करते हो कि नहीं, क्योंकि वो वहाँ कहाँ से पूछ देंगे आपको भी नहीं पता है। एग्री करते हो या नहीं इस बात पे, पहले ये बताओ। यस बिल्कुल करते हो। इवन अभी भी इतने सारे लर्नर्स जिनका रिजल्ट आया होगा, वो खुद ही सोच लो कि अगर पेपर वन में जब आप आरसी और आरसी कह रहे हो हायर एजुकेशन पीपल इन्वॉल्वमेंट करके गए और सोचते हो कि अरे यार ये क्वेश्चन कहाँ था, याद ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो ऐसा एक वास्ट एरिया है, कहीं भी भटक लोगे वो आपके हाथ में नहीं आने वाला। तो हम उसके पीछे क्यों भागे, सिर्फ इतना बताओ। दस दस क्वेश्चन आते हैं यानी 20 क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, इस बार यही था ना, हायर और पीपल इन्वॉल्वमेंट घुमा दिए गए थे। 10 क्वेश्चन मेरे उससे आता है, 20 मार्क्स मेरा गया, कोई बात नहीं, मेरे पास 80 मार्क्स है। अगर आप 80 मार्क्स पे फोकस करोगे, मैं ये नहीं करी वो 20 मार्क्स छोड़ दोगे, अरे तुक्का से 5 मार्क्स 5 क्वेश्चन तो सही करोगे, यानी 10 मार्क्स तो 90 ऐसे ही आ जाएगा। बस अब उस 90 और 80 पे फोकस करना है हमें, और वो 80 में भी कैसे फोकस करना है ये ध्यान में देता है देना है, कितना कितना किस तरीके से हम चीज़ों को कर सकते हैं, कितनी जब हम आप पूछ लो मेरे आइकॉनिक लर्नर से, मैंने उनको मॉक टेस्ट भी 200+ उनसे मॉक टेस्ट बनवाया, जबरदस्ती मैं उनसे मॉक टेस्ट बनवा दी थी, उनको बोला पूरा अनअकैडमी पूरा बायजूस पूरा टेस्ट बुकलेट अपन निपटा दिए थे पूरा। सोच लो मैंने उनका कोई भी जगह का नहीं छोड़ा, सब फ्री, कोई भी चीज मैंने उनको नहीं बोला कि आप वहां का पैसा पे करो और मॉक टेस्ट दो, कभी नहीं। मॉक टेस्ट तो कभी पैसा का देना ही नहीं चाहिए, जितना पैसा का दोगे फालतू है, फ्री जितने मॉक टेस्ट है वो दो, नो नीड ऑफ पैसा लगा के हम मॉक टेस्ट दे, आप उसी मॉक टेस्ट को बार बार रिपीट करो चलेगा, लेकिन पैसा लगाना बेवकूफी है मॉक टेस्ट। हाँ किसी कंटेंट के लिए आप लगाना चाहते हो बिल्कुल लगाओ, उसके लिए नहीं रोकूंगी, और मॉक टेस्ट के लिए स्पेसिफिकली लगाना मैंने पूछो, मैंने सबको बोला। हाँ लास्ट में मैंने रुचि जी लोग को बोला कि टेस्ट बुक का मॉक टेस्ट लो पेड, इसलिए क्योंकि उसमें बहुत कम पैसा था और पूरे एक साल, और उसमें सिर्फ नेट के लिए नहीं था, उसमें हर किसी को SSC देना है, तो आप और उस एक साल में नेट SSC किसी को UPSC जितना भी चीज है ना सब के अंदर था, इसलिए मैंने सब सब था, इसलिए मैंने उनको बोला कि वहां पे करके ले लो, बाकी कहीं पे नहीं करने की जरूरत। तो ये चीज है, तो पेपर वन की अपनी स्ट्रेटेजी ऐसे ही रखो, अपने 80 मार्क्स पे फोकस करो, अपने 80 मार्क्स को इस तरीके से बनाओ कि वो छूटना नहीं चाहिए। अपने मॉक जब देते हो ना, तो हर मॉक को पूछो मैं कैसे एनालिसिस करवाती थी, मैं उनको बोलती थी लिखो 100-150 क्वेश्चन में से आपने किस यूनिट से कितने क्वेश्चन थे, आपने उस यूनिट से कितना स्कोर किया, एनालिसिस करना आपकी जिम्मेवारी है। हाँ मैं देखती थी, मैं मांगती थी कि मुझे फोटो भेजो कितना क्या, मैं उसको चेक करती थी, पूरा देखती थी क्या है नहीं है, मुझे कमी लगता था तो मैं टोकती थी कि आप इस यूनिट पे फोकस करो। एंड यही काम मेरा मेन मकसद यही है। हाँ अब मेरे जब मैं बात करूँगी फ्री लर्नर्स पे, तो इतना मेरे पास वो नहीं होता कि मैं एक एक बच्चे के पास जाके पूछूँ, लेकिन जो मुझे भेजते थे मैं उनका ज़रूर देखती थी, बाकी आइकॉनिक में तो ये काम करती ही थी। तो पेपर वन की स्ट्रैटेजी अपनी ऐसी ही रखो। बात करते हैं पेपर टू के लिए, तो पेपर टू में यही कहूँगी गए कोई यूनिट छोड़ के मत जाओ। क्यों छोड़ के नहीं जाओ, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। क्या पेपर टू सिर्फ इसलिए पढ़ते हो कि नेट और JRF चाहिए, सिर्फ इतना बताओ, क्या सिर्फ इसलिए पढ़ते हो कि आपको नेट चाहिए और JRF चाहिए, बोलो यस और नो में जवाब दो मुझे। नहीं मैम, वो तो हमारी बेसिक नॉलेज यही आगे में वही तो काम आएगी। बिल्कुल, तो ये कंसेप्ट, हाँ बिल्कुल, तो ये कंसेप्ट अपना मत रखो। जैसे अभी एक रोफिकुल से मुझे याद आया, तो रोफिकुल का भी JRF हो चुका है एंड ही इज इन माई पेड बैच, सिर्फ इसलिए है कि मैम मुझे आपसे पढ़ने में बड़ा मजा आता है एंड आपका कंटेंट डीप है तो मुझे और कुछ जानने को मिलेगा तो मैं पढ़ना चाहता हूँ आपसे, तो वो मेरे पेड बैच में। मेरे पेड बैच में बहुत सारे ऐसे भी लर्नर्स हैं जो कि मतलब JRF हैं। तो अपनी पेपर टू के लिए ना सिर्फ JRF के लिए फिक्स मत कर लो, ठीक है, कि मुझे सिर्फ JRF चाहिए और इसीलिए मैं पेपर टू में ये यूनिट कर लूंगा तो हो जाएगा, नहीं। इतना ध्यान रखो गाइस, पेपर टू जितना डीप पढ़ोगे और जितना मजे से पढ़ोगे ना, उतना आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी से कोई नहीं रोक सकता है, याद रखना। नो वन कैन स्टॉप यू फॉर योर असिस्टेंट प्रोफेसर। इसमें कंपटीशन बहुत हाई है, पॉलिटिकल प्रेशर बहुत हाई है, लाइक ऐसे समझ लो सुमन है, रिम्पी है और अनु है, ये तीन हैं, तीनों का JRF है, मेरे साथ आई है इंटरव्यू के लिए, मेरा भी JRF है, पर हम चारों में से सिलेक्शन उन्हीं का होगा, ध्यान से समझना, दो ही लोग का, एक जो हम तीनों को ऐसा डिफीट करके आए कि इंटरव्यूअर को चौंका दे, या फिर उनका होगा जिनका पैर भी ऐसा तगड़ा होगा ना, इतना पॉलिटिकली वो स्ट्रांग होंगे ना कि उनको फट से रख लिया जाएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गया या कोई स्टेट यूनिवर्सिटीज है।
तो अपनी वीकनेस को पकड़ने के लिए आपको यही करना होगा, जो ये मैं रियलिटी बता रही हूँ, इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं बताई हूँ जो झूठ है। इवन आप लोग खुद भी देखते होंगे कि जहाँ पे आपकी पैरवी होगी ना, यूँ निकलोगे, यूँ आपको कुछ नहीं भी आता होगा, आपका सिर्फ नेट की डिग्री है, आपको वो रख लेंगे, जेआरएफ वाले बैठे रह जाएंगे। तो ये तो सोचना बंद कर देना, स्पेशली जेआरएफ वालों के लिए बूस्टअप मैं बात बोल रही हूँ। जिस दिन ये सोच लोगे कि मेरा जेआरएफ हो गया, अब मैं नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। आदत डालो जेआरएफ के लिए, जैसे मेहनत कर करके रोज पढ़ा ना, वैसे ही आदत डालो, एक घंटा ही सही, कुछ ना कुछ तो देखूंगी, कुछ भी देखूंगी, पुराना रिकॉर्डेड वीडियो भी फिर से रिपीट कर लूंगी, कॉपी खोल के नहीं देखूंगी, ऐसे किसी को खाना बनाते समय सुन लूंगी। मेरे जैसे रुचि जी, उन्होंने बोला 42 इयर्स हैं, वो भी खाना बनाते हुए कोई भी वीडियो देखती थी, ये था वो था। टाइम निकालोगे तो सबके लिए टाइम निकलेगा। बहुत सारे ऐसे भी लर्नर है ना, बोलते हैं मैम मेरे पास टाइम नहीं होता, घर में बच्चे हैं, ये हैं। सिर्फ मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्या आप किसी दिन ऐसा होता है बच्चे को भूखा सोने देते हो? सिर्फ इतना बताओ, किसी दिन ऐसा होता है बच्चों को भूखा सोने देते हो? बोलो मुझे से, यस और नो में जवाब दो। नहीं ना, तो फिर क्यों अपने अपनी पढ़ाई क्यों रोकते हो? उसी तरीके से पढ़ो, बच्चों को भूखा, जिस दिन आपका तबीयत खराब होता है उस दिन भी आपको खाना बनाना होता है, कैसे कैसे भी उठ के आओ, कैसे भी करके खाना बना के दे दो। तो तबीयत खराब में भी पढ़ाई क्यों छोड़ना? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उस दिन पूरा 4 घंटा पढ़ो, अरे 15 मिनट ही कॉपी खोल लो। पढ़ाई जिस दिन एक दिन छोड़ दिया ना, मैं हमेशा इन लोगों को बोलती थी, रुचि जी लोग को, एक दिन पढ़ाई छोड़ा तो याद रखना आप जेआरएफ के 10 मार्क्स से पीछे चले जाओगे। और डर से ये लोग एक भी दिन छोड़ते नहीं थे, और जिस दिन छोड़ते थे उस दिन बोलते थे मैम सॉरी मैम आज कुछ बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, वो सब एक्सक्यूजेस समझ में आता है, लेकिन कुछ ऐसे लर्नर होते हैं, अच्छा पढ़ेंगे ना, अच्छा एग्जाम आएगा तो पढ़ेंगे ना, ये कभी नहीं करना चाहिए। रोज अगर आप अपने लिए, जिनके पास एकदम टाइम नहीं होता, घर जॉब फैमिली सब कुछ है फिर भी टाइम नहीं होता, दिल से अगर निकालना चाहोगे ना, मॉर्निंग उठो जब सब सो रहे होते हैं, रात को थोड़ा लेट से सो, कुछ दिन कम सोना, जिनका जेआरएफ हो गया अब आराम से पढ़ो, जिनका नहीं हुआ जिनको चाहिए वो थोड़ा कुछ दिन कम सो, कुछ दिन उनको ऐसा अपने आप को ये कराओ कि नहीं अब मुझे इतना कर लेना है, कर लेना चाहिए, है ना। सुबह शाम अपने लिए टाइम निकालोगे, प्रॉपर टाइम निकलेगा। ठीक है, तो पेपर 1 के लिए ऐसे ही पढ़ो, पेपर 2 के लिए मैं कहना चाहूँगी सब कुछ पढ़ो, कुछ भी मत छोड़ो, नथिंग, नॉट अ सिंगल वर्ड, नॉट अ सिंगल यूनिट एंड नॉट अ सिंगल टॉपिक, मैं ये तक कहूँगी, है ना। हेलो हिंडोला, है ना, कुछ भी मत छोड़ो, कुछ भी नहीं। अभी इसमें बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं, जैसे हिंडोला का भी रिजल्ट हुआ है, और भी बहुत सारे हैं, निष्ठा भी है, सिस्टी है ना, मतलब मैं क्या बोलूँ, इसमें बहुत सारे लर्नर्स हैं। जैसे ही नेक्स्ट एग्जाम मान के चलो जून के अराउंड होगा, है ना, तो लग जाओ अपने लिए, अब टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, मेरी जिसको जहाँ से लगना है जैसे लगना है वैसे लगो, आपके ऊपर है, रुको मत, बस मैं इतना ही कहूँगी। आज से भी अगर अपने दिन को स्टार्ट करोगे, आज से पूरी 1 वीक लो, 1 मार्च तक कोई कंटेंट मत पढ़ो, मैं कह रही हूँ कोई कंटेंट मत पढ़ो, कुछ मत पढ़ो, 1 मार्च के पहले तक अपनी वीकनेस को पकड़ो। और वीकनेस के लिए मैं इतना टाइम क्यों दे रही हूँ, सबके दिमाग में हुआ, ऊपर ऊपर से हम देखते हैं ना तो हमको ये लगता है कि अरे मेरा इसमें मार्क्स कम है तो मेरी वीकनेस ये है। नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है जिसमें मार्क्स ज़्यादा होता है वो भी मेरी वीकनेस एरिया होती है। ठीक है, वो भी मेरी वीकनेस एरिया होती है। कभी कभी मेरी टाइम, मैं सबसे अपनी एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, मेरी एक लर्नर है, आई विल नॉट टेल हर नेम, वो जेआरएफ के लाइक है, मैं कह रही हूँ सीई, एंड वो 100% टाइल के लाइक है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों, एवरी मॉक में उसका 70+ स्कोर होता था पेपर 1 में एंड पेपर 2 में भी, पर उसने जो है जेआरएफ मतलब उसका रुक गया, नेट भी उसका मोर देन 3 टाइम्स है। क्यों रुका? ये 3 चीज़ से मैं बताती हूँ। पहला, टाइम मैनेजमेंट। हम क्या होता है ना, जब हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते, जेआरएफ नहीं होने का, जिनका 4-4 बार नेट होता ना उनका यही सब स्ट्रैटेजी, उनका ये स्ट्रैटेजी नहीं कि उनको कुछ कंटेंट नहीं आया, नहीं, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हुआ होगा। दूसरा, हम किसी एक ही क्वेश्चन के पीछे लग गए कि आज तो इसको साला हम सॉल्व करके ही निकलेंगे, एकदम एग्जैक्टली, एंड सी हैज डन द सेम थिंग, आरसी के पीछे लग गई, आरसी सॉल्व करने, और आरसी के चक्कर में 20 क्वेश्चन सी हैव मेड मिस्टेक्स, और उन 20 क्वेश्चन की वजह से उसका जेआरएफ रुक गया, उसका जेआरएफ हो सकता था। तो ये काम नहीं करना, अपने टाइम को मैनेज करो, अपनी जो है विनीता, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, आपका आइकॉनिक बेकार नहीं हुआ है, इतना मैंने गाइड किया है, एंड उसके अलावा भी मैं हूँ, हाँ मैंने आइकॉनिक छोड़ दिया वो ठीक है, बट कोई बात नहीं, मैं अलग से गाइड कर रही हूँ ना, आप मुझे वहां से भी पूछ सकते हो। ठीक है, ये मैं विनीता का कॉल मेरे पास आया था, हाँ। वो बात हुई थी, बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी,
तो वही हम भी इसको बोले कि मैं हम अच्छा मुझे ये नहीं पता था मैम आपने छोड़ दिया, मुझे लगा कि उनकी तरफ से कुछ है, तो वही है विनीता यही बोल रही थी कि आइकॉनिक लेने की वजह आप ही थी और आप ही नहीं हो मैम, ये सच्चाई है। देखिए हमारा फर्स्ट बैच था आइकॉनिक का, आज हम रिजल्ट लेके बैठे तो आइकॉनिक की वजह से नहीं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ पल्लवी मैम, ये सच्चाई है। तो कहीं ना कहीं मैम उन लोग डिसहार्टन होंगे मैम, इन लोग का मतलब सिर्फ विनीता ही नहीं, विनीता तृप्ति देखो वो भी मेरे साथ जुड़ी हुई है कि आपकी मेंटोर की जगह कोई और एक्सेप्ट नहीं हो सकता है, तृप्ति है, विनीता है, और भी मेरी लर्नर से बनानी है, सबने मुझे फोन करके, बट इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, ये लिटरली मेरे हाथ में नहीं है गाइस। मैं अलग था, मैं यही कर सकती कि मैं अलग से जैसे सबको हेल्प करती हूँ, मुझसे पूछो मैं वहाँ हेल्प करूँगी। मैम एकेडमी को आपसे कितना फायदा होगा, मैम कितने स्टूडेंट्स आपकी वजह से आ गए एकेडमी में, जस्ट बिकॉज़ ऑफ यू। बिल्कुल मैम, हम लोग के रिजल्ट्स उन लोग को भी दिख रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं हम लोग के रिजल्ट्स दिख नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं मैम स्टूडेंट्स उनको आपकी वजह से मिल रहे हैं, तो आप वो लॉस में कहीं ना कहीं होगा सब बच्चे। क्योंकि ये तो मैं कहूंगी कि मेरे आइकॉनिक के लर्नर जो मेरी फर्स्ट बैच से जिस पे मैंने मेहनत किया था सभी का रिजल्ट है, एंड मुझे ये चीज़ सबसे अच्छा लगा, और मैं वही चीज़ मैं अब अपने पेड बैच में करने वाली हूँ, वही स्ट्रेटेजी, वही तरीके से पढ़ाना, सब कुछ करने वाली हूँ। हाँ सही किया बिल्कुल, उनसे रिफंड तो मांगो ही, मैं तो खुद कहूँगी, उनको कहो कि ये कोई बात नहीं होती। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, कोई और जो अगर अब मीटिंग एंड करेंगे, मैंने सबका बहुत टाइम ले लिया, थैंक यू एवरीवन। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं जिन लोगों ने मेरे साथ जेआरएफ के लिए जुड़ा है, मेरा मेन पर्पस यही था कि मैं कुछ लोगों का फीडबैक आपके साथ शेयर करूँ और आपको ये बताऊँ कि कैसे प्रिपेयर करो, ठीक है। नहीं बिल्कुल कम टाइम नहीं है निवेदिता, बिल्कुल भी कम टाइम नहीं है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं थोड़ा मैं चाहूँगी, एक सेकेंड, जेबा हो क्या क्लास में? नहीं है ओके, जेबा नहीं है, हाँ तो रफीकुल चलो आप हो ना, चलो ठीक है मुझे आपका ही चाहिए, चलो आपका तो जेआरएफ भी है और अब आप अभी मेरे पेड बैच में भी हो तो मुझे चाहिए, वेलकम सना, एंड सना अब्रार का भी जेआरएफ हुआ है, तो मैं चाहूँगी रफीकुल कि आप थोड़ा सा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दो ताकि किसी को भी अगर इंटरेस्टेड भी हो जो तो वो एक फीडबैक के साथ जाए। हेलो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन, हेलो मैं तो हूँ गूगल, ना मेरा इंग्लिश अच्छा है ना मेरा हिंदी अच्छा है, तो अगर बोलने में गड़बड़ हो जाता है तो लाइटली लेना प्लीज। मैं जून लास्ट ईयर मई से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, मैं स्टडी मटेरियल खरीदा था मई के मंथ में, उसी से मैं पढ़ रहा था, लेकिन स्टडी मटेरियल से कुछ प्रॉब्लम हो रहा था तो उस टॉपिक को समझ नहीं पा रहा था, तो मैं यूट्यूब पे सर्च किया और अकेडमी पे भी सर्च किया, थ्री मुझे कुछ कॉम्पैक्ट मिल नहीं रहा था, तो और एक बात है थ्री क्लासेस में कॉम्पैक्ट होता भी नहीं है, दो चार टॉपिक होता है वही रिपीटेड चलता रहता है। एक दिन ये अनुकंपा देवी मैम है उसका, ओ, उसका उसका एक और बात है, मैं अनअकैडमी का ना प्लस ना आइकॉनिक किसी का सब्सक्रिप्शन मेरे पास नहीं था, और मुझे मैं तय किया हुआ था कि मैं इस बार पहली बार अटेंड किया था, मैं सोच के रखा था कि मैं खुद से पढ़ के ये क्वालिफाई करूँगा, मैं किसी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन नहीं लूँगा मेरा, यही मैं तो इसी से पढ़ा, तो जो पढ़ रहा था कुछ जगह पे प्रॉब्लम हो रहा था, और जो अनुकंपा देवी है वो सिर्फ प्लस स्पेशल क्लास में मिल रही थी, वो जो यूनिट पढ़ा रही थी वो कॉम्पैक्ट पढ़ा रही थी, जो मैंने हर टॉपिक को टच करके, हालांकि ज़्यादा डिटेल में नहीं था लेकिन हर टॉपिक को टच करके जा, जो मैं वहाँ से पढ़ा जो था और स्टडी मटेरियल से पढ़ा, उसके बाद मैं ये पल्लवी मैडम का जो महारिविजन क्लासेस था नीट के कुछ दिन पहले, एक महीना या दो महीना पहले शायद, वो देखा मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैं वहीं से पूरा रिविजन किया, जो महारिविजन क्लासेस था हर यूनिट का एक भी नहीं छोड़ा था, सब देखा, तो उसने मुझे हेल्प किया, तो उसके बाद मैं नेट दिया,
उसके बाद वेस्ट बंगाल से हुआ जनवरी में, वो भी गया, तो उसका भी अच्छा हुआ एग्जाम, मैं क्वालिफाई करूँगा से भी। तो उसके बाद मैं मैम का वही बिग बैच स्टार्ट हुआ, तो मुझे लगा मुझे और भी पढ़ना है, उसके बाद अगर नेट क्वालिफाई भी कर जाओ उसके बाद भी तो मुझे कम, अगर फर्दर कुछ करना चाहूँ तो और भी जानना चाहिए मुझे। तो मैं ये फन फैक्ट यही है, मैम का बिग बैच मैं ज्वाइन किया नेट के बाद, अभी मैं वहीं से पढ़ रहा हूँ, तो ये बात है, तो ऐसे ही चल रहा है। तो मैं एक जो नेट क्वालिफाई नहीं हुआ जिसका, मैं यही कहना चाहता हूँ जो अगर सही स्ट्रेटजी के साथ पढ़ोगे ना तो उसी किसी क्लास सब्सक्रिप्शन नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा, कोई जरूरी नहीं है कि क्लास सब्सक्रिप्शन किसी का लगेगा। और अब तो पल्लवी मैम है ही जो गाइड करने के लिए, तो अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। थैंक यू रफीकुल। सो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका नेट जेआरएफ नहीं हुआ है और जिनका नेट जेआरएफ हुआ है, मैं अगेन यही कहूँगी, अगेन यही सजेस्ट करूँगी, लास्ट में मैं ये एंड करूँगी, अपने माइंड को शांत करो, भटको मत, थोड़ा सा दिमाग को शांत करो और सोच लो कि करना क्या है। देखो मतलब हम ये आधा मतलब हम दो महीना तो यही सोचते निकल जाते हैं मैं कहाँ जाऊँ, मैं प्लस लूँ, क्योंकि मैं अभी भी देख रही हूँ कुछ बच्चे हैं शेयर करें क्या, अरे कोई शेयर नहीं कर रहा, नहीं ले सकते हो प्लस, क्यों, कहाँ लिखा है कि हम पैसा लगाएंगे तभी हम पढ़ सकते हैं और तभी रिजल्ट निकाल सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। दिल से पढ़ोगे, मेहनत करोगे, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन फ्री। हाँ मैं ये जरूर कहती हूँ, बिल्कुल पेड बैच अगर कोई लेना चाहता है ना तो वैसे बच्चों को मैं जरूर फोर्स करती हूँ, हाँ वैसे बच्चे लो जिनको थोड़ा गाइडेंस की नीड है, जिनको लगता है कि नहीं हो पाएगा कोई चाहिए, तो हाँ वो पेड बैच लो, क्योंकि फ्री में क्या होता है कि चाहे कोई भी हो, फ्री में हम ये चीज़ से बंध जाते हैं, एनी वन कोई भी हो, कि हम अपने हिसाब से नहीं चल सकते हैं, फ्री में हमें लर्नर्स के हिसाब से चलना होता है, जहाँ हम अपने हिसाब से चलेंगे लर्नर्स दिखते ही नहीं है, तो फिर वो एक डीमोटिवेशन वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है, पेपर वन पेपर टू हर कुछ फ्री में अवेलेबल है, पेपर वन के लिए कुछ एजुकेटर्स तलवी सर, नवदीप कौर, ज्योति कुमारी करके एक मैम है, आप उनकी क्लासेस को भी देख सकते हो पेपर वन के लिए फ्री में, ये सब, और अनअकैडमी की स्पेशल क्लास है जो इन्हीं एजुकेटर्स का नाम बोल रही हूँ, ये भी एजुकेटर अनअकैडमी पे भी हैं, और एक है ग्रेड अप पे दो सर हैं, उनका मैथ की क्लासेस वो बहुत अच्छा लगता है, उनका भी फ्री में है, आप सब कुछ पेपर वन भी फ्री में कर सकते हो, ठीक है। तो जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं प्लीज़ आप इस चीज़ को सोच के, क्योंकि मुझे कुछ लर्नर्स का ऐसे भी मैसेज आया कि मैम मैं अफोर्ड नहीं कर सकता शायद मेरा इसलिए रिजल्ट नहीं हो रहा, ये बहुत गलत सोचना है। जो नहीं अफोर्ड कर सकते हो ना गाइस, बिना पैसा लगाए भी अफोर्ड करके पढ़ सकते हो, मेहनत जिस दिन मेहनत कर जाओगे ना उस दिन आपका रिजल्ट, आप 10,000 फेंक दो या 20,000 फेंक दो रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन मेहनत करके पढ़ लोगे, फ्री में भी पढ़ोगे सब रिजल्ट आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट ही छोड़ दो कि पैसा लगाएंगे तभी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल, जिनको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए मैं कहूँगी पेड भी लेना कभी कभी ज़रूरत होता है, कब जिनको लग रहा है कि नहीं मेरे से नहीं समझ में आ रहा, मेरा वीकनेस क्या है, कहाँ हम गड़बड़ा रहे हैं, कोई मेरी प्रोग्रेस को लगातार देखे तो आप उसके लिए जा सकते हो, उसके लिए आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, अनअकैडमी है, बायजूस है, जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो, कोई रोक नहीं है, जो आपको अच्छा लगता है वहाँ जाओ, कोई कहे कि नहीं अनअकैडमी पे ही जाओ नहीं मत जाओ, आपको लगता है नहीं बायजूस अच्छा है वहाँ जाओ, कोई कहता है नहीं इसका क्लास लो नहीं मत लो, जो अच्छा लगता है वो लो, आप अपना देखो रिजल्ट आपका आएगा दूसरे का नहीं आएगा, ये याद रखना, ठीक है। इतने जो बच्चों का रिजल्ट आया है, मेरा रिजल्ट नहीं आया, हाँ मेरा बस यही एफर्ट कि मैंने एफर्ट दिया तो उनका रिजल्ट आया है, पर आया रियल में वो है, उनकी खुशी दिखी, मतलब पहले दिन जिन कुछ ऐसे बच्चे थे जो फ़ोन करके उनके आँख से आँख, मतलब वो रो दिए कि मैम आपकी क्लास से मेरा रिजल्ट हो गया, नेट के लिए हम कब से ट्राई कर रहे थे, मुझे रोना आ गया, कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट मैं जो मेहनत करती हूँ दिन रात करके वो मतलब सामने दिखा, तो मुझे ऑनेस्टली अच्छा लगा। इसलिए मैं बोलती हूँ जहाँ आपको अच्छा लगता है ना आप वहाँ जाओ, सब जगह मत जाओ, ठीक है। तो चलो फिर मैम लास्ट मैं कुछ बोलना चाहती हूँ मैम। हाँ बिल्कुल सरोज। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मैं अभी बीएड कर रही हूँ, और मेरे को ना एकदम भी टाइम नहीं मिलता, मतलब बीएड में इतना ज़्यादा वो लोग प्रेशर देता है, तो मैं प्रिपरेशन अपना शुरू की थी शायद दिसंबर से, और आपको मैं फ़ोन भी की थी उस टाइम के पेपर वन के लिए किसको फॉलो करूँ, आपने मतलब मेरे को पूरा एकदम क्लियर गाइडेंस दे दिया, क्लियर पिक्चर बना दिया कि देखो जिससे भी पढ़ो पर लिमिटेड सोर्स रखो,
और बीच में मेरा प्रिपरेशन छूट भी गया था जिसकी वजह से मेरा जेआरएफ हुआ नहीं, ये मुझे पता है। और लास्ट में मैंने अपना सिर्फ नेट क्लियर, आपका जो रिवीजन का एक सीरीज आया था, सिर्फ उसी से मेरा नेट क्लियर हुआ है, इतना तो मैं मतलब श्योर ही हूँ। क्योंकि हर एक क्वेश्चन बार बार वही क्वेश्चन मैंने जो आपने पीवाईक्यू में कराया था, बार बार मैंने वही क्वेश्चन रिपीट करके पढ़ के गया गई थी। थैंक यू सो मच सरोज, अच्छा लगा कि आप अपने से आगे आकर के फीडबैक दे रहे हो। हाँ रिंकी बोलो। लास्ट में सभी को ये कहना चाहती हूँ, एक तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूँ पल्लवी को, क्योंकि लास्ट में तीन चार दिन में तो जो लास्ट के पेपर से पहले तीन चार दिन में मैं इतनी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी क्या पढ़ूँ, क्योंकि मैम की तो कोई रिविजन क्लास आ नहीं रही थी ज्यादा मैम की। तो फिर मैंने पल्लवी से पूछा मैं क्या करूँ, फिर मैंने रिविजन क्लासेस देखी सुमन दीदी बोली की ना तो पल्लवी की देख, मुझे ना थोड़ा लैंग्वेज का होता है, मैं कहना फिर मैंने ना एक दो क्लास देखी फिर मुझे अच्छा लगा, मैं कहा हाँ मेरी रिवीजन हो जाएगी, फिर मैंने वो सब रिवाइज किया। फिर पल्लवी ने कहा कि नहीं अब क्लासेज में मत देखो, अब अपना लिखा हुआ पढ़ो, फिर मैंने वो पढ़ा, उससे मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। और एक चीज़ और बोलूँगी कि कहते हैं कि जब पैसे से ही होता है, पिछली बार जब मेरा नेट हुआ ना मैंने 5 रुपये का कुछ नहीं खरीदा, मेरा सिर्फ सुजाता मैम की स्पेशल क्लासेस से हुआ, उसी से मैंने रफ जैसे भी नोट्स बनाए, क्योंकि सिलेबस मेरा सब 30 दिन के अंदर अंदर हुआ था पल्लवी, कोई मतलब यकीन भी नहीं हुआ किसी को कि मैं पहले दिन सिलेबस कर रही हूँ, डाउनलोड किया और उसके 30 दिन बाद एग्जाम था जब मेरा नेट हुआ था, और मेरे पहले पेपर में तो 38 नंबर थे, एजुकेशन में ही अच्छे थे जब नेट हुआ। तो मतलब ये नहीं है कि हम पैसे लगा कर ही कर सकते हैं, कोई हवा नहीं है, मतलब अगर मेहनत करेंगे तो हम 30 दिन में भी नेट निकाल सकते हैं, अगर नहीं मेहनत करेंगे और पैसे भी लगाएंगे तो मैं नहीं मानती हो सकता है। हाँ बिल्कुल, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, क्योंकि पल्लवी के साथ हमने स्टडी की है, सुजाता मैम की क्लासेस ली हैं बहुत सारी, और लास्ट टाइम जब एग्जाम टाइम आ गया था तो लास्ट के नियर अबाउट 1 या 1.5 मंथ्स पल्लवी क्लासेस में दिखाई नहीं देती थी, लाइव क्लासेस में मैम भी पूछते रहते थे कि पल्लवी दिखाई नहीं देती, कभी कभी आते थे कभी कभी क्लासेज में। तो बाद में जब अब की बार पिछली बार मेरा भी रह गया था 2 क्वेश्चन से ही नहीं हुआ, क्योंकि हम कंटेंट के पीछे लगे हुए थे, उसको कंटेंट इकट्ठा करो कंटेंट इकट्ठा करो, कॉन्सेप्ट के पीछे नहीं लगे। और ये अब की बार जब पल्लवी को फॉलो किया तो पल्लवी ने हमें यही बताया बात कि भाई लास्ट टाइम आप क्लासेस को लाइव क्लासेस के पीछे मत भागो, रिकॉर्डिंग देखो, और मतलब इसने ये बताया कि हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अब सारी यूनिट्स करवाई, पहले समझ में नहीं आता था कि 9 यूनिट को कहाँ से करें, रट्टा मारते थे लीडरशिप स्टाइल्स का, और अब जो बाई एग्जांपल समझाया ना उसने, मतलब अब भी हमें कोई कहीं से भी पूछ लो आप आसानी से ये बता सकते हैं ये स्टाइल है, ये स्टाइल है। मतलब मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि हम में से ना बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, कुछ को बाहर से आउटसाइड से मोटिवेशन चाहिए, और उनमें से शायद मैं भी हूँ। वो बच्चे जो खुद से नहीं कर पाते ना, वो पेड बैच को प्रेफर करेंगे ना, तो एक भी बच्चा, मैं कह रही हूँ एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो जेआरएफ के लिए एलिजिबल है और वो जेआरएफ नहीं दे पाए, उसका आराम से निकलेगा, 100% निकलेगा। क्योंकि तो मेरा ये लास्ट ही चांस था जेआरएफ के लिए और मेरा नहीं हो पाया, मेरा ओनली नेट ही हुआ है। और ये जो लास्ट की जो क्रिस्प दिया ना पल्लवी आपने, रिविजन क्लासेस थी उसमें जो हमने पहले से जो नोट्स बना रखे थे ना, वो ऐसा लग रहा था कि इसमें तो हमने पता नहीं क्या लिख दिया, उनमें इतना ऐड ऑन किया है ना, इतना ऐड ऑन किया अपनी क्लासेस से बहुत ज़्यादा। तो थैंक यू सो मच यार, मतलब बहुत किया है आपने हमारे लिए। थैंक यू सो मच सुमन, थैंक यू वेरी मच। है ना तलवीर सर से भी कहीं ऊपर जाएगा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सुमन, थैंक यू सो अगेन, थैंक यू एवरी वन। बहुत लोगों को मौका नहीं दिया मैंने, जैसे निष्ठा को मैंने बोला था, रोफिक और भी लोगों को मैंने बोला था, उन लोगों ने मुझे मैसेज में ही एक थैंक्स लिख करके भेज दिया है। बट हाँ, जिन लोग जो लोग बच गए हो यहाँ पर या कुछ डाउट रह गया हो तो वो लोग बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ
कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैंने वही बोला ना, मैंने ये लोग भी आए हैं, ये लोग भी मुझे फीडबैक देने हैं, पूछने ही आए थे, पर मैंने टाइम मतलब नहीं दे पाई। मैं यही डिस्कस करते रहे कैसे क्या करना है ना। थैंक यू कुसुम, थैंक यू। तो चलो मीटिंग को एंड करते हैं। मेरे साथ टाइम देने के लिए अगेन वंस अगेन एवरी वन को थैंक यू। सो क्लासेज जो है, एक और बात सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ रफीकुल एक मिनट बस, क्लासेज जो है मैं अगेन स्टार्ट करूँगी, पर वो 1 मार्च से मैं क्लासेज यूट्यूब पे स्टार्ट करूँगी, ठीक है, क्योंकि उसके पहले कुछ बच्चे ऐसे हैं। मैं 1 मार्च से ही सभी जगह स्टार्ट करूँगी, इवन पेड में भी और फ्री में भी। तो जिनको भी जो भी बैच लेना है वो स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू हिंडोला, थैंक यू सो मच। ठीक है, जो भी लेना चाहते हो मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप या टेलीग्राम कहीं पे भी, वहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। एंड 1 मार्च से इसलिए स्टार्ट करूँगी क्योंकि मेरी 25 और 28 को एग्ज़ाम है, तो जैसे मेरी 28 को एग्ज़ाम फिनिश हो जाएगी तो क्लासेज उसी दिन से स्टार्ट होगा। तब तक आप लोग अपनी यूनिट वन की जो पेपर वन और पेपर टू दोनों में मैंने एक एक यूनिट करा रखा है, जिनको भी स्टार्ट करना है फ्री क्लासेज में वहाँ से स्टार्ट करो। एक एक यूनिट एक वीक के लिए काफ़ी होता है, ठीक है, तो स्टार्ट फ्रॉम देयर। एंड शंपा बिल्कुल पीएचडी के लिए भी मैंने बता रखा है कैसे कहाँ से स्टार्ट करना है, आप मेरी प्रपोजल वाली वीडियो देखो, वहाँ से कर सकते हो। माय पर्सनल नंबर मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया है, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। एक क्वेरी और है, अगर हो सके ना तो रिसर्च पेपर को कैसे इफेक्टिवली लिख सकते हैं, उसके लिए भी कोई वीडियो डालना प्लीज। हाँ बिल्कुल सुमन, अभी मैंने एक प्रपोजल के लिए डाला है, हाँ प्रपोजल के लिए जो डाला है ना, वैसे ही रिसर्च पेपर के लिए। पहले ना पेपर किस पे लिखना है पहले तो एक चीज ये सोचो, उसके लिए अगेन इंटरेस्ट एरिया, ठीक है, इंटरेस्ट एरिया, और इंटरेस्ट एरिया कैसे खोजना है वो मैंने बताया हुआ है प्रपोजल में। इंटरेस्ट एरिया को खोजो और पहले लिटरेचर रिव्यू करो, और हर एक लिटरेचर रिव्यू में से उसकी एब्स्ट्रैक्ट और उसकी पॉइंट को निकालो जो कॉमन लिटरेचर रिव्यू है, और उसी को आप उसके हिसाब से लिखो। सना टॉपिक समझ में नहीं आता, मैंने बताया ना टॉपिक कैसे खोजना है, उसके लिए अगेन गो फॉर द प्रपोजल वन। मैं बोलूँगी कि उसके लिए आप जो है प्रपोजल वाले क्लास में जाओ, ठीक है, और आप उसमें कर सकते हो, समझे।